N6N7 ओके कलर, और ग्रीन कलर में मैंने जोन लिखा था, नॉर्थ 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 ईस्ट, ग्रीन कलर में मैंने जोन लिखा था। नहीं, मैंने लाइनिंग बोला था आपको, जब आपने जब अच्छा फोन मैंने बोला लाइनिंग कहाँ मारा आपने, मैंने तो ठीक है वो डिफरेंशिएट लग रहा है कलर वाइज, ओके लाइनिंग को मारने के लिए बोला था ताकि आपको पता चले कि N1 N2 कहाँ है और बाकी जोन कहाँ पर है, उसके लिए बोला था। चलो ठीक है, ओके ओके कल जो ओके करोगे ना उसको हाँ बेटर करने से, बट गुड गुड वर्क, हैप्पी दैट। चलो 2 मिनट वेट करते हैं। ओके कितने जोन हैं अमित जी? हेलो। अमित जी हाँ बोलिए सर। कितने कितने जोन हैं? 16 16 16। एक एक जोन की डिग्री कितनी होती है? एक जोन में 22.5 डिग्री, थर्टी और कितने एंट्रेंस होते हैं? टू एंट्रेंसेस, एक एंट्रेंस की डिग्री कितनी होती है? 11.25 डिग्रीज। ओके ओके, एंट्रेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रेंसेस को? गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग, बोलिए। एंट्रेंस को N1, N2, N3 में से हाँ बाकी लोग पूरा बोलो, पूरा बोलो, थोड़ा N1, N2, N3, N4, N5। कैमरा थोड़ा दूर रख लो, आराम कंफर्टेबल बैठ जाओ ना। हाँ मैम मोबाइल पे सर सुनाई नहीं देगा आपको। नहीं अच्छा, आप नहीं अब मोबाइल का। एयरफोन हाँ लगा लीजिए बॉस, आप एयरफोन लगा लो। मेरे हाँ पास एयरफोन नहीं है ना सर, अच्छा मेरे अच्छा पास चल एयरफोन नहीं है ना सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलिए बोलिए, मैं कंफर्टेबल के लिए बता रहा हूँ। हाँ बोलो। तो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, फिर ओके E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, फिर बोलते हो, सुन रहा हूँ। S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, फिर W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8। हाँ सर, हाँ ये ठीक है, ये पोजीशन ठीक है आपकी। हाँ नेक्स्ट। ओके हाँ अभी कुछ हो आज नीलू जी की तबीयत ठीक नहीं है तो जस्ट सुनेगी। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नवीन नवीन जी नमस्कार, हाँ नमस्कार सर। कैसे हो? हाँ प्रणाम सर। अच्छा क्या अच्छा, 16 जोन के नाम जल्दी से बोलो नवीन जी, 16 जोन के नाम बोलो ऑर्डर में, बोला? 16 जोन के। हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ हाँ ईस्ट कौन नॉर्थ बोलेगा, वेस्ट कौन बोलेगा 16 जोन के नाम नॉर्थ अर्चना जी को छोड़ के? वेस्ट। अर्चना जी नहीं चले गई। मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ सर। कैमरा अरे कैमरा सीधा कर लो, आपको पहले उल्टा हो गया सर, उल्टा हो गया। गया कैमरा उल्टा हो गया। अच्छा अभी ओके, अभी भी अभी उल्टा है। भी उल्टा है? हाँ अभी अभी ठीक ठीक है, है, अभी ठीक आ रहा है सर। हाँ जल्दी बोलो, हाँ सर ऑफिस से आ जो गए, जल्दी आ गए। हाँ अरे बस सर अभी पहुंच गया ये मान के चलो। हाँ ठीक है सर, तो मैं इधर से स्टार्ट कर, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ये बगैर देख के ठीक बोलना है, बगैर देख के बोलना है, देख के तो मैं बोल है सकता ठीक है हूँ। ठीक है हाँ सर। नॉर्थ ईस्ट हाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ साउथ, साउथ साउथ ईस्ट साउथ, ओके ओके देन SSW मतलब साउथ साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ साउथ वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट, हाँ देन वेस्ट साउथ वेस्ट, ओके वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद में क्या आएगा, वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बाद में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। करेक्ट बोला क्या? मैंने नहीं सुना, मैंने आप लोग बोलिए करेक्ट बोला नहीं बोला, कुछ गलत हेलो बोला क्या? अर्चना जी वीडियो ऑन कर लीजिए। सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो ऑफ किया हुआ है।
बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, है ना। मैं अभी ऑन करती हूँ जैसे वो प्रॉपर नेटवर्क आता है। कभी भी याद रखो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार अपने डिवाइसेस को ना स्टार्ट कर लीजिए। नहीं, वो मैंने कर लिया था सर अभी रिसेंटली। हाँ। एकदम पता नहीं क्या हुआ है, 5G है पर पता नहीं ये 5G सब मेरा 5G है मगर कनेक्ट ही नहीं होता है, जबकि मैं हाई बैंडविड्थ लेता हूं तो भी कनेक्ट नहीं होता है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को नेट पे हैबिट होने की। चलो नेक्स्ट, जल्दी से 16 जून बोलिए अर्चना जी। मैं बोलूं सर? ऑर्डर में बोलना है। कभी भी देखो फाइव एलिमेंट कहां से स्टार्ट करते हैं, वाटर एयर फायर अर्थ। जोन कभी भी स्टार्ट करना है नॉर्थ ईस्ट, एक थंब रूल बना लीजिए। मैं भी ऐसे ही करता हूं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करो। यस, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ओके फाइन। ट्रायंगल का किसी को बात करना है तो थोड़ा म्यूट कर ले तो ताकि रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब ना हो, फ्लो में डिस्टर्ब ना हो, बहुत ही है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि कितने ट्रायंगल्स होते हैं इसके अंदर पूरे? सर अगर नॉर्थ जीरो होगा तो 16 ट्रायंगल्स होंगे, अगर नॉर्थ जीरो नहीं है तो 12 ट्रायंगल्स होंगे एंड 4 में साइड्स 4 होंगी। ओके 4 साइड। और अरविंद जी, वेयर इज भास्कर टुडे? यस भास्कर आ गया? ओके नहीं 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 सर, कहाँ गया भास्कर? वेयर इज भास्कर? ओके, what is the triangle, a triangle formula to find the area which I told yesterday? dekhe bolo what sir, what is the formula to find the area of the triangle? area no sir, s equals S equals A plus B plus C divided by 2. Okay, what is the S? Okay, next yes, square root of S minus A minus S minus C. Your voice is breaking. Yes, sir. S into S minus A. Could you please repeat once again? Because we could not listen. Sir, yes, square root of S into S, my S minus A, S minus B, and S minus C. Okay, fine. What is the ABC? ABC, that triangle, sir. Side of the triangle, sides of the triangle. Length, yes, sir, length. Sides of the triangles. ABC kya hai? Wo side of the triangle hai. Length uski. Yes, length. Sir. The length of that one. Side of the triangle means length of that one. Okay. Yes, chalo. Sir. सौरभ जी, वाटर वाटर का साइकिल क्या है? क्रिएशन ऑफ साइकिल, क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, तो बोल सकते हो? अनम्यूट है। हेलो, यस, हाँ जी आ गया, आ गया, आ गया ना? ओके, वाटर एयर फायर अर्थ एंड स्पेस। ओके साइकिल क्या है? साइकिल मतलब माने वाटर इज ए, वाटर का सोन के हिसाब में बात करें क्या? नहीं, साइकिल कौन सी है? साइकिल कौन सी है?
साइकिल नहीं मालूम, अभी हमने कितनी बार पढ़ चुके हैं साइकिल, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन सी है? सर वाटर का साइकिल ऑफ क्रिएशन तो वाटर का वाटर साइकिल ऑफ क्रिएशन नहीं 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 मैंने अर्चना कौन बताएगा क्लियरली आप एक बार ना क्लास हो गया थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए मैं सजेशन दूंगा एटलीस्ट हां नहीं मैंने तो पढ़ा है सर हां मैं बोलो वाटर फायर को डिस्ट्रॉय करता है फायर स्पेस को डिस्ट्रॉय करता है स्पेस एयर को डिस्ट्रॉय करता है एयर को डिस्ट्रॉय करता है एयर अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है उस साइकिल को क्या बोलते हैं साइकिल ऑफ ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हां हां यस विनाश विनाश है यस साइकिल ऑफ क्रिएशन जो है वो ब्रह्मा है साइकिल ऑफ सपोर्ट जो है वो है विष्णु विष्णु और साइकिल ऑफ जो डिस्ट्रक्शन है वो कौन है शिवा शिव ब्रह्मा विष्णु महेश ओके इसी को कहा गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आज साइंस कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन उन्होंने आइडेंटिफाई किया है या आविष्कार किया है नहीं हमारे साइंटिस्टों ने कब से ही आविष्कार करके रखा है पर आज के दौर के नाम है नाम को चेंज करना पड़ेगा आज के दौर के हिसाब से बताइए चलो ये हो गया अब कल हमने क्या सीखा था ट्रायंगल का एरिया निकालना क्लियर है क्या अभी सर क्लियर है क्लियर है चलो अब 16 ट्रायंगल मैंने क्या बोला था आपको पेपर दिया पेपर जिराफ करवा लिया अमित जी 16 ट्रायंगल्स के एट्रीब्यूट्स हां सर 16 ट्रायंगल के एट्रीब्यूट्स हां सॉरी 16 जोन के एट्रीब्यूट्स नहीं करवाया अभी अभी होमवर्क है नहीं प्रिंट आउट नहीं लिया अभी तक नहीं ये सॉफ्ट कॉपी है सर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट मैं कुछ कुछ लिया हूं इधर ओके कलरफुल वाला था ना सर कलरफुल वाले 16 जोन है 32 इंट्रेंस 16 जोन का एट्रीब्यूट्स वहां पर है हां वो कलर प्रिंट आउट ही था ना उसमें कलर में नहीं नहीं कलर नहीं था कलर नहीं था नहीं डायरेक्शन 16 जोन ट्रांसलेट 32 इंट्रेंस और 16 जोन के एट्रीब्यूट्स हैं हां जोनल एट्रीब्यूट्स हां वो पेपर निकालो जोनल एट्रीब्यूट्स और एंट्रेंस एट्रीब्यूट निकालिए जोनल एट्रीब्यूट्स कलर शेप्स रिलेशनशिप एंड वैलेंस देन यस हां ये कलर प्रिंट आउट में ही आया है निकाला मैंने बताओ ये रहा ये नहीं ये तो रेमेडी वाला है अच्छा ओके नहीं इसमें रेमेडी नहीं है स्टेप 2 जोनल एट्रीब्यूट्स कलर शेप ये वाला नहीं है ये नहीं है सर वी कांट सी योर फेस ओनली एमटीट इज कमिंग आई एम हियर व्हाई कांट यू सी इट नो सर अरे नहीं दिख रहा क्या मैं दिख रहा हूं ओके हां सर क्लियर दिख रहे क्लियर दिख रहा है सर नो अदर आई एम फ्रॉम टू लैपटॉप कनेक्टेड फ्रॉम टू लैपटॉप one is teaching and one wise is not working okay sir got it sir this one no sir where no not that one baba go check karo attribute 16 zone aur 32 entrance ke attributes hain nahi bheja kya zones and their attribute ha 16 zone ke placement Jones and their attribute also. उसमें entrance के 32 entrance के भी है। मैंने तो पूरा लिया है printout. ढूंढिए. Right and left brain वो उस वाले में नहीं उसमें है ना Jones and their attributes में सारा है। तीन page का है क्या? मुझे नहीं मालूम कितने page का है। ठीक चक्रा। Three page.
3 पेज का लिया पता कहां गया। 3 पेजेस में एंट्रेंस के भी है और जोन के भी है। ये प्रॉब्लम होता है एक साथ देने से, प्रॉब्लम ये होता है, मगर क्या है बार बार जीरोक्स के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था नोट्स। जोनल इफेक्ट ना सर? हाँ जोनल इफेक्ट्स ये वाला है ना 4.0 जोनल इफेक्ट्स। 3 पेजेस हैं देखिए उसमें, उसमें लिखा हुआ नॉर्थ ईस्ट जोनल इफेक्ट होगा विजडम मेडिटेशन एंड इंस्पिरेशन, बराबर है ना? मेरा इसमें नॉर्थ ईस्ट में विजडम मेडिटेशन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फन एंड रिफ्रेशमेंट, ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी, यही तो है सर जोनल इफेक्ट। जोनल इफेक्ट नहीं है, जोन्स देयर एट्रीब्यूट्स, ऐसे करके हेडिंग है, 3 पेज का है। अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, स्टार्टिंग से निकालो जो जो है देखते जाओ कलर बस। मैं आप... नहीं भेजना नहीं है, भेजना नहीं है, मैं भेज सकता था ना वीडियो को, मैं दो सर ने जो सबसे स्टार्टिंग में भेजे थे ना सारे मैप्स और वो सारा लास्ट में दिया था जोनल टेबल टू द लिस्ट ऑफ जोन्स नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी माइंड यस ग्रुप में डाल दिया है वापस से। अरे नहीं डालना था, मैं देख सकता था। अरे वो पेपर सर्च करवा रहा हूँ ताकि उनको मालूम पड़े क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या भूल गए हैं, बराबर सही। हाँ वो क्या क्या है उसमें एक बार, मेरे कल वही प्रॉब्लम होगा, जब कल फिर वही प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं देख सकता था। परफेक्ट किया सर आपने, अभी मैंने पूरा पढ़ लिया उस चक्कर में क्या क्या मेरे पास है। हाँ इसीलिए मैंने नहीं दिया, एक साइकोलॉजिकल वो है ये, और कुछ अभी मेरे को ये समझ में आया नहीं है। ज्योतिष पालन कौन है अर्चना जी, आपका नाम क्या है? ज्योति है क्या? नो 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 सर, मेरा नाम अर्चना है। अच्छा फिर ज्योति कौन है? ज्योतिष है सर, ज्योति नहीं है, ज्योतिष पामेस्ट्री। अच्छा इनका है, अमित है क्या? किसका है ये? अमित का है। ओके अमित पामेस्ट्री भी जानते हैं क्या? हाँ लेट्स, मैं कभी भी याद रखो, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड ओनली यू शुड कम्युनिकेट विद वन। Wherever I am going there, my Sahaj Vastu, Sahaj Vastu, Sahaj Vastu. Okay, sometime you are putting, somewhere you are putting that one. Is not a right advisable. Otherwise, your space get confused to give to you what you want. Okay? So always use a unique name only. At least public place. Yes, sir. Chalo. Nikal diya, mil gaya. हरियाप अभी तक नहीं निकाला? मिल गया सर, मिल गया, मिल गया सर। दिस इज नेम सर, आई डोंट नो, टेल मी सर नेम, रीड इट। या दैट द जोनल एट्रीब्यूट कलर्स शेप रिलेशनशिप एंड बैलेंसिंग देम। नो 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 नो, नॉट दैट वन बाबा, नहीं मिला, नहीं मिला जी को बराबर मिला। अच्छा जी अर्चना जी के पास बराबर है, बाकी किसी को नहीं मिला सर। मेरे को मिला है, टेबल फॉर द लिस्ट जोन्स मिल गया ना, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ओके सर, शो मी दैट सर प्लीज। हां अर्चना जी, यस सर, आपस ग्रुप में डाल दीजिए। ओके सर, ग्रुप में डाला था अर्चना जी, अभी भी डाला? डाला था फिर डिलीट कर दिया, किसी ने डाला था। चलो डाल दी ना जी, सबसे सिंसियर स्टूडेंट है सर। यस स्टूडेंट, चलो डाल दिया, देखिए नाउ देखो। यस ये चाहिए, फाइन, यस सर। अब ये देखते हैं। अच्छा सरोज जी, ऑफिस में क्या करते हो? हाँ सर, ऑफिस में क्या क्या रोल प्ले करते हो, व्हाट इज योर रोल? कस्टमर इंटरेक्शन है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या है रोल? एवरीथिंग सर, कस्टमर रिलेशनशिप, यस। व्हाट इज द कोर, व्हाट इज द कोर?
कोर रोल बेसिकली मेरे को कोर रोल सेल्स देखना है, कोर रोल इज बिकॉज आई एम ए ब्रांच मैनेजर तो सब जनरल सेल्स इंस्टॉलेशन सर्विस। अर्चना जी को पूछते हैं, अर्चना जी आपका घर में क्या रोल है, नौकरी करनी है? सर नहीं, जॉब नहीं करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रोल क्या है आपका? सर पूरा मैनेजमेंट इसका, घर का। हाँ आपका रोल वो है। ओके पवन जी। हाँ सर। आपका रोल क्या है, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ मेरा फाइनेंस का रोल है सर, फाइनेंस। फाइनेंस है, ओके। फाइनेंस में क्या रोल है, ऑडिटिंग है या अप्रूवल है, क्या है? फाइनेंस में परचेस। परचेस वो आपका रोल है। ऐसे ही रोल का समझ में आ गया, रोल क्या है, वैसे ही 16 जोन जो है आपको जीवन के अलग अलग रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में, या आप ऐसे भी कह सकते हो एक लिविंग स्पेस में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ओके अब नॉर्थ ईस्ट क्या रोल प्ले करेगा, उसका एलिमेंट कौन सा है, पांच तत्व 16 जोन में से पांच तत्व हमने दिखे ना, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वो 16 जोन से रिलेटेड है। कभी भी मैंने क्या बोला था, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट कर, क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करना है। ओके अब 16 जोन जो है वो 16 पार्ट लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं। जैसे कुंडली के अंदर 12 भाव आपको डिफाइन करते हैं आपके लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को, ओके वैसे ही ये 16 जोन जो है आपके लाइफ को गवर्निंग करेंगे। ओके पहले आप देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, क्या देगा, उसका रोल क्या है घर के अंदर, 16 दिशाओं का रोल क्या है, उनका महत्व क्या है और वो क्या क्या दे सकते हैं। क्या ऐसे बोल सकते हो कि उनका काम क्या है, जनरल लैंग्वेज में देखा जाए उनका काम क्या है, घर के अंदर 16 जोन है तो उनका काम क्या है, घर एक ऑफिस है और ऑफिस में 16 एम्प्लॉई है, करेक्ट है? हेलो राइट सर, करेक्ट है। पवन जी, अर्चना जी, करेक्ट है सर, करेक्ट है, सुने दे रहे हैं? हेलो ओके तो 16 जोन क्या है, 16 एम्प्लॉईज है किसके, घर के, क्या है, घर के 16 एम्प्लॉईज हैं, उनका रोल है आपका, जैसे ऑफिस में आपका रोल है, फैक्ट्री में या ऑफिस में फैक्ट्री में हर एक अपना अपना रोल होता है, वैसे ही रोल है इसका 16 दिशाओं का। ओके ये जैसे हमने अभी तक क्या किया है, ड्राइंग किया, उसका मतलब क्या है समझाना। ओके अब नॉर्थ ईस्ट जो है, कभी भी मैंने क्या कहा था, नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट करना। ओके नॉर्थ ईस्ट क्या है, आप पेपर सामने रखिए, अपने सामने नहीं तो आप ये फाइल ओपन कीजिए, अपने सामने रखिए। नॉर्थ ईस्ट क्या लेता है, नॉर्थ ईस्ट क्या देगा मालूम है आपको, क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब क्या है, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, किस दिशा में देख रहे हो आप, किस दिशा में देख रहे हो, किस दिशा में सुन रहे हो, किस दिशा में सुन रहे हो, किस दिशा में सोच रहे हो,
आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्या पान करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, ये देगा आपका नॉर्थ ईस्ट। सभी लोगों ने वीडियो बंद कर लिया है। हेलो अमित जी, पवन जी, वीडियो मत बंद करिए सर, मोबाइल में देख रहा हूँ ना, तो इसलिए ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, ओके फाइन। अब नॉर्थ ईस्ट क्या देगा आपको? क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब क्या है बोल सकते हो? सोचने की क्षमता कैसी है, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए आपको, बोलिए मेरे को। सोचने की क्षमता, करेक्ट, राइट डायरेक्शन में सोचना है आपको, क्या करना है, राइट डायरेक्शन में सोचना है, ओके। आप जैसे पवन जी है, वो जल्दी आ गए ऑफिस से, या अपना घर वर्क फ्रॉम होम है, उन्होंने क्या किया, काम बंद किया और इधर आ गए क्लास के, तो ही नोस व्हाट, कौन से काम पे काम करना है। क्या वो ऑफिस के टाइम पे वास्तु गीता लेके पढ़ रहे थे पवन जी? पवन जी नहीं सर, नहीं, क्या कर रहे थे उस टाइम पे? ऑफिस का फुल काम चल रहा है अभी। क्या ऑफिस का काम लेके बैठे हो? एक आध दो फोन आता अलग बात है, मगर क्या ऑफिस का काम लेके बैठे हो यार? अभी फिलहाल नहीं। नहीं, तो आपको मालूम है कब ऑफिस का काम करना है और कब पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्या मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और क्लाइंट से बात कर रहा हूँ? नहीं ना, ओके नहीं सर। तो हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, उसका जो विचार है वो आएगा आपके नॉर्थ ईस्ट से, ओके। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि अभी आप एडवांस कोर्स जब करोगे तो पता चलेगा कि वास्तु पुरुष का हेड वहां पर आता है। क्या होता है? वास्तु पुरुष का हेड आता है, इसीलिए वहां पर दिमाग है, इसलिए वास्तु पुरुष का, ओके। अब वहां पर एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए वहां पर, देखिए उसमें क्या, कौन सा एलिमेंट है वहां पर? वाटर, वाटर एलिमेंट, वाटर, ओके। अब आइडियल एक्टिविटी का मतलब क्या है? बेस्ट रोल। आइडियल एक्टिविटी में तो बेस्ट रोल क्या हो सकता है वहां पर, वहां पर क्या काम कर सकते हो आप? पूजा, पूजा, ओके। नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने के स्थान है, ओके। अब हिंदू है तो पूजा करेगा, मुस्लिम वाले नमाज, तो या फिर क्रिश्चियन वाले या जैन वाले तो पूजा करेंगे ना, बाकी लोग, हमारे पास पूजा लिखा मतलब कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी होनी चाहिए वहां पर, क्या होना चाहिए, किसी ना किसी रूप से स्पिरिचुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्थान है वो आपको उस परमात्मा से जोड़ने वाला स्थान है, इसीलिए मेडिटेशन पूजा कहा गया है। क्या कहा गया है? पूजा और मेडिटेशन कहा गया है, ओके। वहां का एलिमेंट क्या है? वाटर है। ये क्लियर समझ में आया? ये वही सीक्वेंस में हम पूरे 16 के 16 जोन देखते हैं, पहले जोन का नाम, एट्रीब्यूट, उसका एलिमेंट, वहां पर एक्टिविटी क्या करना है, ओके। अब नेक्स्ट कौन सा है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या देगा आपको? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या देगा? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, क्योंकि याद रखो क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपकी सोचने की क्षमता, किस दिशा में आप सोचते हो, आपको ईएनए क्या देगा, आपको एंजॉयमेंट देगा, ओके। एंजॉयमेंट बहुत तरह के होते हैं, ओके। एक एंजॉयमेंट, ये जो एंजॉयमेंट है वो बाहर जाकर ग्रुप में नेचर के साथ जुड़कर जो एंजॉयमेंट होगा वो ईएनए का होगा। देखो मैं इसलिए क्लैरिफाई करूं, यहाँ पर 3-4 एंजॉयमेंट है 16 जोन में, ओके। वो जो ईएनए वाला है वो क्या है? वो बाहर जाकर एंजॉयमेंट करने का है। अभी याद बोलो, क्या हर एक के बच्चे फ्रस्ट्रेशन नहीं है? हमारे बच्चे, सबके बच्चे, बड़े हो छोटे हो। अर्चना जी, हेलो,
हाँ पवन जी जी सर जी सर बड़े हो बच्चे हो हम भी तो परिस्थिति में हो चुके कि जाने में डर लग रहा है हमको घर में बैठे नहीं बैठे हम लोग क्यों परिस्थिति क्यों हो रहा है बाहर जाकर पहले हम मार्च के पहले कितना घूमते थे बाहर मतलब इससे बात करें उससे बात करें घूमने के वॉकिंग के लिए अब मतलब कोई डर नहीं था अभी क्या हो गया हमको जितना काम है उतना काम कर रहे हैं बाकी सब लोग आ रहे हैं हेलो हाँ जी सर 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 सौरभ जी म्यूट कर लीजिए ओके तो वो जो एंजॉयमेंट बाहर जाए घूमने का खाने का मूवी देखने का जो एंजॉयमेंट है वो आता है ईएनई से आता है किससे आता है ईएनई से आता है ओके वो एंजॉयमेंट है वो एंजॉयमेंट किसका है ग्रुप में नॉर्मली आप इंडिविजुअल कर सकते हो नेचर के साथ जुड़कर या ग्रुप में कर सकते हो जैसे कॉलेज के टाइम में हमने क्या किया था ग्रुप में घूमते थे वो जो ग्रुप में घूमने वाला जो एंजॉयमेंट है वो आपको आएगा ईएनई से आएगा अब नेक्स्ट कौन सा जोन है ईस्ट है क्या है ईस्ट है ईस्ट क्या करेगा सोशल कनेक्टिविटी सोशल कनेक्टिविटी अच्छा ये बात बता दो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाउस के प्रोस्पेक्टिव में डिस्कस कर रहे हैं हम किसके प्रोस्पेक्टिव में हाउस के प्रोस्पेक्टिव में डिस्कस कर रहे हैं ओके नॉर्थ ईस्ट गिव्स clarity of mind, the way of your thinking, thought level, okay? Next, ENE, ENE gives the entertainment which you are doing from outside are connect, by connecting the nature. Example, you are going for a movie, you are going for some art, walking, nature walking, meeting the people, that enjoyment is coming from ENE. Clear, Arvind ji? अरविंद सर टुमारो व्हाट आर डूइंग एट 1 o'clock टुडे एंड टुमारो 1 o'clock टुमारो 1 o'clock सर आर यू फ्री एट व्हाट टाइम टुमारो 1 o'clock फ्री सर 1 o'clock free. Yes, sir. Okay, 1 o'clock you call me, okay? For okay, 1 hour. I'm going to sit with you 1 hour. Okay, sir. Okay, sir. I'm going to explain in English. 1-to-1 basis. Because okay, I can't use complete English now. So it makes this. Okay, sir. Okay. Okay. No, I can understand the English a little bit. No. Okay. No. At least I want to give some brief of that one. So you should not miss anything. Clear? Okay, sir. Because you are my kids. Sir. You are my kids. Yeah. Thank you, sir. Okay. Now, abhi kya hai next? East. Ab East mein kya hai? Social association. Main aap logo ko Hindi mein bhej dunga. Group mein dal dunga. Social association. Social ka matlab kya? Samaj. Association matlab junna. Samaj ke saath junna. ओके अब बोलिए मेरे को मार्च लेकर अभी तक हमने कितने सोशल एसोसिएशन किए हैं रियली बोलना मैं एक भी नहीं किया कितने किए अर्चना जी सर मैंने बहुत किए समाज में गई है अभी भी नहीं मार्च से अभी तक कोरोना में भी हाँ सर मैं तो बहुत घूमने भी गई हूँ और हमारी पार्टियां भी बहुत हुई हैं बहुत देर ने से आपने हमारा ग्रुप है जो काफी हम लॉकडाउन में भी मैं तो काफी घूमी हूँ यहाँ से नोएडा बाकी बाय रोडी ट्रैवल किया है जहाँ ओके ओके तो टेकन द रिस्क मैं ले सकता हूँ मेरे को जरूरत भी नहीं है क्योंकि आई एम बिजी विद माय क्लासेस एंड अदर कंसल्टेंसी के लिए गया हूँ बट सोशल गैदरिंग में नहीं गया दैट इज कॉल्ड सोशल एसोसिएशन सोशल गैदरिंग जो है आपके फ्रेंड सर्कल है समाज आपके समाज के साथ संबंध है आपके आपके ग्रुप्स के साथ संबंध है ओके जैसे अभी देखते हैं सौरभ जी
उनके बंगाली समाज में समाज के साथ संबंध होंगे, उनके कम्युनिटी के साथ संबंध होंगे, मैं जैन हूँ जैन के साथ संबंध होंगे कम्युनिटी के साथ। हाँ, बहुत सारे मीटिंग अटेंड करता हूँ मैं, जूम पे हो रही सब मीटिंग हमारी, जितने मैं एसोसिएशन हूँ सबकी जूम में होंगी, कम से 15-20 जैन एसोसिएशन से जुड़ा हूँ तो सबकी मीटिंग होती है, सबसे फ्रेंड से बात होती है, मगर वो गैदरिंग नहीं हो रही। तो कहने का मतलब जो समाज में संबंध है वो आता है ईस्ट से आता है। ओके, वहां का एलिमेंट कौन सा है? एयर एलिमेंट है। क्या है? एयर एलिमेंट है। ईएनई का भी एलिमेंट क्या था? एयर था। ओके, वहां पर क्या होना चाहिए? ड्राइंग रूम। क्या होना चाहिए? ड्राइंग रूम। करेक्ट है। हेलो हेलो सर, जी सर, जी सर, रेस्पॉन्स तो दीजिए ना, समझ में आया नहीं है? समझ में आया सर। हाँ, नेक्स्ट। ओके, समाज में संबंध। अब ईएससी का मतलब क्या है? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट का मतलब है एंग्जाइटी एंड एनालिसिस। एंग्जाइटी और एनालिसिस मतलब कोई भी काम करने के पहले आपको सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? हेलो जी सर, सोचना चाहिए। नहीं सोचे तो क्या होगा? काम गड़बड़ हो जाएगा। पहले हमको सोच समझ के जो चीज करेंगे वो बेटर होगा। मतलब सपोज हाँ, हर चीज को हम देखा, अभी अभी सौरभ जी कुछ खा रहे हैं, सोच समझ से नहीं खाते हम, मतलब ऐसे ही खा लेते हैं। अब ये सोचने का मतलब है कि हर समय नहीं, जो मेजर एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम सोच करना पड़ता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे बैक एंड में क्या क्या पढ़ाना है आज मेरे दिमाग में है, तो सोच समझ से पढ़ाना पड़ता है, सीक्वेंस से पढ़ाना पड़ेगा। जब मान लीजिए टॉपिक उठा के पढ़ा दिया तो नहीं होगा ना, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा। हाँ, जब फॉलो अप क्लासेस होगी तो मैं मन मर्जी का टॉपिक लेता हूँ, तो अभी लूंगा तो क्या होगा, पूरा सिस्टम ट्रेनिंग सेशन ही खत्म हो जाएगा, कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, सब लोग भर जाएंगे। बिल्कुल, फीस चले गए परवाह नहीं, मगर टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो सोच समझ से काम करने का है तरीका, आपकी सोच समझ कर काम करने की क्षमता जो है वो आती है ईएस के साथ। ओके, कितना अच्छा। एक सपोज एक काम को बार बार सोचे तो क्या होता है? क्या होता है? आलूआ बन जाएगा सर। एक ही काम को बार बार सोच रहे तो क्या होगा, बोलो? टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा सर। कंफ्यूजन होगा, और टेंशन तो बढ़ेगा, कंफ्यूजन भी होगा, और क्या होगा, और आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अब अर्चना जी को बहुत एक्सपीरियंस, हमको तो एक्सपीरियंस नहीं है उसका। ओके, अब आपके आपकी लड़की है जी सर, वो टाइम पे नहीं है तो क्या होता है आपको? कैसे होता है एग्जाम्पल, काले से 4 बजे आना है, अब 4 बजे नहीं आई, चलो हॉस्टल में रहती है फिर भी आपको परेशानी होती नहीं होती है? बहुत ज्यादा सर। क्यों क्यों बोलो, अब बेचैन हो जाती है उस टाइम पे नहीं आई तो? हाँ सर, बिल्कुल। अब उसका मोबाइल नहीं लगा तो क्या होगा? तो और ज्यादा, मैं तो गाड़ी उठा के ही पहुंच जाऊंगी। इसे कहते हैं एंग्जायटी। तो कि उनकी लड़की है ना, उसकी बड़ी है तो परेशानी होती है, आप लोगों की बड़ी लड़की नहीं है इसलिए पड़ा नहीं सर, तो बेटी और बेटे दोनों में ही है। हाँ नहीं, मतलब ज्यादातर हम लड़की के लिए ज्यादा बड़ी होती है कम्पेयर टू लड़की। लड़का एक घंटा लेट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की के लिए हम बड़ी होती है। ओके, अभी एग्जांपल, अभी मेरी बेटी गई थी डेंटिस्ट के पास, गई थी, मैंने वो टाइम पे नहीं आई, मैंने 5 कॉल कर दिए। क्या किए? 5 कॉल कर दिए उसके। क्या हुआ डॉक्टर, क्या बोला? तो उसे कहते हैं हाँ लिमिट में है तो ठीक है, आउट ऑफ लिमिट हो जाए क्या होगा? अच्छा, एंजाइटी नहीं गुस्सा आएगा। देखो पहले तो आप बेचैन हो जा रहे हो, बेचैन के बाद क्या होगा? गुस्सा। उसके बाद में क्या करोगे? रेस्टलेस हो जाएगा। हो सकता है कि वो कोई हाथ में चीजें उठा के फेंक दे,
डेफिनेटली सर, या उससे आगे हुआ तो किसी को मार दो भी। देखो एंजाइटी की अलग अलग स्टेजेस हैं, वो एनालिसिस करना, सोच समझ के काम करना चाहिए, वो ठीक है, एनालिसिस कर कर काम करो ठीक है। ज्यादा एनालिसिस करोगे तो वो क्या हुआ, चर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब चर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। यस सर, जब एंजाइटी बीपी बढ़ने का कारण क्या है, लोगों को एंजाइटी बढ़ना है। ओके, जो देता है आपका ईएससी देता है, ईएससी में क्या होना चाहिए, वहां पर क्या है लिखा हुआ है, Thought and give you a deeper understanding. नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी में क्या आइडियल एक्टिविटी क्या होना चाहिए, टॉयलेट, क्या लिखा हुआ है, टॉयलेट टॉयलेट सर, और जी टॉयलेट 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 देना, ये वहाँ पर टॉयलेट आना चाहिए। वहाँ का एलिमेंट कौन सा है, एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, एयर। अब देखो जितने ओल्ड एज वाले होते हैं तो उनमें क्या होता है, अनरेस्ट ज्यादा होता है, आप लोगों ने देखा होगा अनरेस्ट ज्यादा होता है। Yes. तो इसका मतलब ये है उनमें जब एयर एलिमेंट बढ़ जाता है तो बॉडी में अनरेस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट साउथ ईस्ट, फिर आएंगे मैं एक बार और एक आएंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या रहता है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब क्या है, लिक्विड कैश, कैश इन हैंड क्या है, लिक्विड कैश, लिक्विड कैश कौन देगा, साउथ ईस्ट देगा। वहां पर क्या होना चाहिए, किचन होना चाहिए ना, किचन किचन, ओके। और ये सोलर जोन जो है बहुत साइंटिफिक है, ये सूरज की सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक और सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक जो एक्टिविटी होती है उसके आधार पर है ये सोलर जोन। सोलर जोन जो आए हैं बहुत साइंटिफिक हैं, ये सोलर जोन जो है हमारे ब्रीथिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे स्वर के साथ। आप कभी स्वरयोग करोगे तो बताऊंगा आप लोगों को कैसे जुड़े हैं उसके साथ। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, साउथ साउथ ईस्ट, नीलू जी समझ में आ रहा है, यस सर, यस सर, नीलू जी, हाँ जी सर, कौन चलेगा, अर्चना जी बस से चलेगा, ओके नहीं बास्तर भी नहीं, कौन चलेगा, अरे अमित का डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, तो ये याद रखो जोन जो एट्रीब्यूट है उसको पकड़ना है। अभी आपको एट्रीब्यूट याद करना है, कल आज का होमवर्क है, पढ़ के आने का, याद तो होंगे नहीं, पढ़ के आने का, समझ के आने का, आज का होमवर्क है। ओके, अब साउथ साउथ ईस्ट क्या देगा, पावर एंड कॉन्फिडेंट, पावर और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है, अथॉरिटी, ओके, और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है, आपका मेंटल लेवल कैसा है, मेंटल लेवल कैसा है। आप पवन जी बोलिए, आप ऑफिस में काम करते हो, आपको कॉन्फिडेंट है क्या, हाँ, वही कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग में जब कैरियर कर रहे थे वो था क्या, कैरियर में स्टार्टिंग में 10-15 साल पहले बैक साइड नहीं था, नहीं था, अभी अकाउंट में कॉन्फिडेंट है नहीं है, अच्छा ये समझ में आया कॉन्फिडेंट का क्या होता है। और नेक्स्ट क्या है, आपको अथॉरिटी है नहीं है लोगों को, आप सीनियर में हो तो आप अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर भी दे सकते हो और अपना अथॉरिटी भी दिखा सकते हो, करेक्ट है, जो आता है आपका जोन से साउथ साउथ ईस्ट से आएगा, क्या आएगा, साउथ साउथ ईस्ट से आएगा। नेक्स्ट क्या है, साउथ, साउथ का मतलब है सर, साउथ साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए, किचन, देखो क्या है किचन लिखा हुआ था, यस, तो साउथ साउथ ईस्ट में यदि घर में किचन है तो जनरली लेडीज तो किचन में ही रहती हैं, तो उनका पावर एंड कॉन्फिडेंस इसलिए बड़ा हुआ होता है क्या, नहीं सर, दैट इज वन ऑफ प्रॉब्लम, दिस वन, उसके रीजन बहुत सारे हैं, अच्छा, बट फिर भी इससे भी इफेक्ट तो होता होगा ना सर, होता है ना,
अभी तो पावरफुल होती है हर घर में। अरे अर्चना जी है, मत बोलो। अर्चना जी को, अर्चना जी को पता है। अच्छा, नहीं सुन रही है। लेडीज पावरफुल ही होती है। पावरफुल ही वैसे भी होती है, बट ये किचन में ज्यादा काम कर लिया तो फिर तो बड़ा पावर आ गया। क्योंकि जो फिक्स मेल जो है, क्या बोला था मैंने, फिक्स है बनाना, जो फिक्स है वो कभी सीखता नहीं है। ओके, जो जो वेरिएबल है वो बहुत सीखता है, और दे लर्न फास्टर देन मेल। पता है आपको, आप काम कम करते हो, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, दे हैव मल्टीपल स्किल्स। एक काम एक टाइम पे बच्चे को पढ़ाएगी, एक टाइम पे खाना ही बनाते रहेगी। पूछो अर्चना जी को, किया नहीं किया इसे? बराबर है सर, इसलिए वो तीन बर्नर चार बर्नर वाला भी होता ना, एक पे चारों पे नजर भी रहेगी। हम एक बर्नर लगा के आएंगे तो मालूम पड़ा जल गया, जल गया मेरा दूध जल जाता है। आप इसलिए मैं गर्म करता हूँ चाय बनाने के लिए, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। तो कहने का मतलब है, हम फोकस नहीं होते, दे आर मोर फोकस, हम लोग रिजिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? साउथ है। क्या है? साउथ है। साउथ क्या है? रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड फेम। भास्कर जी कहाँ पर हो आप? मेरा अभी मैं हॉस्पिटल में। क्या हुआ? मेरा पिताजी का कुछ हॉस्पिटलाइज आना पड़ेगा, आना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट साउथ क्या है? साउथ, जस्ट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट 16 जून 16 जून। ओके ओके, जस्ट आई कवर नॉर्थ ईस्ट टू अप टू साउथ साउथ ईस्ट। ओके ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउथ। ओके ओके, साउथ क्या है? रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड पेन। रेस्ट का मतलब क्या है? ठहराओ जिंदगी में, जिंदगी में रेस्ट होना चाहिए। पावर एंड कॉन्फिडेंस तो है, नेक्स्ट जोन क्या है? रेस्ट है। फेम का मतलब होता है आपको मान दिलाएगा, फेम का मतलब मान, आपको रिकॉग्नाइज करेगा, और आपको रिलैक्स भी करेगा। ओके, वो है साउथ। साउथ का में क्या क्या होना चाहिए देखिए, बोलिए मेरे को, कौन पड़ेगा? क्या चाहिए सर साउथ में? हाँ, साउथ में क्या होना चाहिए और कौन सा एलिमेंट चाहिए, बोलो मेरे को। साउथ का एलिमेंट होना चाहिए, रुके 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 रुके, मैं उनको पढ़ना। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट है सर। हाँ, फायर एलिमेंट है। और अरविंद जी क्या होना चाहिए, व्हाट इज द एक्टिविटी देयर एट साउथ? दैट अ रेस्ट, रिलैक्सेशन। नो नो नो, व्हाट इज एक्टिविटी? इट शुड बी बेडरूम और किचन, व्हाट? No, no, no. Bedroom is best, sir. Okay. क्या है वहाँ पर? Then toilet. No toilet. South में toilet नहीं होगा कभी। ज़्यादा ही relax हो जाएंगे। Sir, suppose attached toilet. No, 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 no. What is written in the book that notes? Tell me. बोलिए पवन जी, क्या है? Sir, bedroom है, bedroom best है ना, relaxation के लिए। Bedroom. Yes, bedroom है। ये जो है वो आइडियल है, और आगे हम जब रेमेडी देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी आएंगे। क्या आएंगे? अलग अलग एक्टिविटी आएंगे। साउथ, साउथ में सर बेडरूम है। हाँ, तो पीस ऑफ माइंड रहेगा, मतलब थोड़ा शांति, रिलैक्सेशन, अच्छी नींद आएगी, ऐसा है? रिलैक्सेशन है ना बेडरूम? यस हाँ, क्योंकि रात में आपका जो है चंद्र नाड़ी चलती है, आपका चंद्र नाड़ी चलती है रात में, कारण है चंद्र नाड़ी। वी हैव टू, सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। यस सर, चंद्र नाड़ी। हां सॉरी सॉरी, रात में चलेगी आपकी सूर्य नाड़ी, दिन ओके, दिन में चलेगी चंद्र नाड़ी। यदि रिवर्स हो जाता है तो यू गेट सो मेनी डिजीजेस। इसीलिए जब प्राणायाम करते हैं तो वी नाड़ी चेंज करते हैं, इसलिए रात में बहुत सारे बैक्टीरिया के इंफेक्शन के कारण हमारे अंदर सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। डे में टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है? अब
नेक्स्ट क्या है? साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट क्या है वो? साउथ साउथ वेस्ट वेस्टेज एंड साउथ साउथ वेस्ट ना? हाँ क्या है? साउथ साउथ वेस्ट है वेस्ट एंड यूजलेस एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज डिस्पोजल. यस एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज. क्या लिखा हुआ पर? कुछ गलत लिखा हुआ है, टाइप ऑफ मिस्टेक वहां पर. पढ़िए एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज एस एस डब्ल्यू waste and useless in the in your life. A lack of this energy result in a lot of yes. time, money yes. and effort yes. being wasteful on the unimportant thing. That fruitless means, ho gaya. thought unimportant discussion honge udhar. Haan. To jo wastage hai nikalna aapke, dekho aapne dimag mein bahut kuch churning kiya hai. अब उसको नेचर हमको रोज निकालता है नहीं निकालता है कौन जी? हाँ बिल्कुल. ये लिखो ना कोई सोचो समझो फिर और एक बार मैं लिखो मत. पहले उस कीवर्ड को पकड़ लो. जैसे हम कीवर्ड को पकड़ते हैं ना सॉफ्टवेयर फील्ड में क्वेरीज लिखते हैं ये लिखते हैं. ओके कीवर्ड को पकड़ो. हां नहीं मैं कीवर्ड को पकड़ के लिख रहा हूं उससे थोड़ा माइंड में एस्टेब्लिश हो जाता है. सुनो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद निकलो होना को. वेस्टेज सपोज दिन भर आपने चर्निंग करी है दिन भर सुना नेचर क्या करता है आपको रेस्ट करवा देता है. नेचर 10 o'clock 11 o'clock के बाद क्या होता है बॉडी सपोर्ट नहीं देती नींद आती नहीं आती है. नींद क्यों आती है? नींद आने के बाद क्या हो रहा है बॉडी हीट कर रही है आपको. आपके जो भी वेस्टेज है उसको क्या कर रही है नेचर से डिस्पोज ऑफ करवा दे रही है. टायर्डनेस डिस्पोज ऑफ करा रही है. और जो मल और मूत्र है उसका विसर्जन करवाती है बॉडी को क्लीन करती है. सवेरे इसलिए हमको टॉयलेट जाना पड़ता है. ओके इसीलिए वो वेस्टेज को बाहर निकालता है नेचर. यदि नहीं निकाल तो क्या होगा एक दिन कॉन्स्टिपेशन होने से सोचो क्या होता है कैसा रहता है दिन. ओके अब वेस्टेज है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होना जरूरी है. आपने जो पैसा कमाया है उसको खर्च होना जरूरी है. नहीं खर्च कर तो क्या होगा? सपोज सब लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया दुनिया में क्या होगा? क्या होगा? डेडलॉक आ जाएगा. कट है कौन जी? खर्च करना बंद कर दिया मनी का डेवल्यूशन भी हो जाएगा ना. हाँ तो जो अमेरिका में हुआ था 2000 में हुआ था ना तो वैसा ही हो जाएगा. तो क्या है विसर्जन होना जरूरी है. थॉट लेवल फिजिकल लेवल इमोशनल लेवल मेंटल लेवल स्पिरिचुअल लेवल आपका डिस्पोज ऑफ होना जरूरी है. कोई भी चीज का डिस्पोज ऑफ होना जरूरी है. आपने खाना खाया है प्लेट को धोना जरूरी है डिस्पोज ऑफ होना जरूरी है. कचरा को जब फेंकना भी जरूरी है. रोज हम डस्टबिन में कचरा जमा करते हैं फेंकते हैं या घर में रखते हैं? सौरभ जी आवाज नहीं आ रही. डिस्पोज़ करेंगे. आवाज नहीं आ रही आपकी सर. फेंकते हैं सर डिस्पोजल होता है ना. नहीं फेंके तो क्या होता है? नहीं फेंके तो क्या होगा? नीलू जी नहीं फेंके तो क्या होगा? अर्चना जी को पूछते हैं क्या होगा. कचरा नहीं फेंकते उनको उनको पता है. सही आंसर आएगा सर. अनवांटेड चीजें घर में बढ़ जाएंगी तो नहीं. सपोज मैं ये पूछ रहा हूँ रोज जो किचन में आप कचरा फेंकवाती हो एक दिन आपको नहीं लग कैसा लगता है एक दिन नहीं फेंका हुआ आपको? घर में नहीं रह पाएंगे सर. नहीं नहीं रह हो जाएगा बदबू. एक दिन ठीक है दो दिन तीन दिन के बाद क्या होगा? ठंडने लग जाएगा. तीन चार दिन के बाद कीड़े पड़ने लग जाएंगे. बिल्कुल राइट. वैसे ही वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ बॉडी से तो क्या होगा? हेलो नमस्कार सर. क्या है डिस्पोज ऑफ होना बहुत जरूरी है. यदि डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो क्या होगा?
अनहिजीनियस रहेगा, पूरे समय अनहिजीनियस रहेगा। ये डिस्पोज ऑफ कचरा कर रहे हैं, थॉट लेवल भी तो डिस्पोज ऑफ होता है ना। अभी गुस्सा आया, कंटिन्यू गुस्सा तो क्या होगा, बस्ट हो जाओगे। थोड़ा गुस्सा आया, अपने अपने आप को शांत कर लिया। शांत किया मतलब क्या हुआ, गुस्से को डिस्पोज ऑफ किया। ओके, तो इस तरह से आप डिस्पोज ऑफ करते हो। इसीलिए वहां पर क्या होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। वहां का एलिमेंट क्या है, वहां का एलिमेंट क्या है, अर्थ, अर्थ है। ओके, ओके, नेक्स्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का भी एलिमेंट क्या है, अर्थ ही है। साउथ वेस्ट का भी एलिमेंट क्या है, अर्थ है। ओके, ओके, अब सुनिए, अर्थ है और वहां पर क्या रिलेशनशिप है, क्या है रिलेशनशिप है, और वहां पर क्या आना चाहिए, बताइए मेरे को क्या एलिमेंट, कौन सा एक्टिविटी होनी चाहिए वहां पर। अर्थ एलिमेंट है ना सर, स्टडी रूम, स्टडी रूम। वहां पर रिलेशनशिप स्किल्स है ना, और कुछ लिखा हुआ है, एंड स्किल, एंड स्किल, मैरिज, मैरिज, फैमिली, ये नहीं 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 नहीं, रिलेशनशिप एंड स्किल्स कहाँ लिखा है सर, मैरिज वहां पर आता है। अच्छा, लिखा नहीं है, दिया है मैंने, लिखा है, लिखा है। हाँ ठुको, रुको, यहाँ पर अभी अभी याद रखो, आप जब काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब कॉलेज पास आउट हुए थे, क्या आपको एक्सपीरियंस था काम करने का, पवन जी? नहीं था, सब्जेक्ट भी याद नहीं था हम लोगों को, दो चार क्वेश्चन मालूम थे, बाद में काम करते करते क्या हुआ, एक्सपीरियंस आया नहीं आया। और जब एक्सपीरियंस आया तो क्या हुआ, वो स्किल्स बोलते हैं। जब एक्सपीरियंस आया तो क्या होता है, स्किल्स है, तो क्या है, रिलेशनशिप एंड स्किल्स, रिलेशनशिप बिटवीन वन टू वन, लिख लीजिए ये पॉइंट, लिख लीजिए, वन टू वन रिलेशनशिप है ये, जो साउथ वेस्ट की जो रिलेशनशिप है वो वन टू वन है। ओके, वन टू वन है। ओके, अब ईस्ट की जो रिलेशनशिप थी वो कौन सी थी, वन टू मेनी था। ईस्ट की जो, वो भी देख, एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन का मतलब क्या है, समाज से संबंध, समाज मतलब क्या हुआ, मेनी पीपल, वन टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे अभी अर्चना बोल रही थी, मैं लॉकडाउन में भी घूमी करी, तो उनका सोशल एसोसिएशन अच्छा है। ओके, अब ये जो साउथ वेस्ट है वो क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी, मी एंड माय वाइफ, मी एंड माय डॉक्टर, मैं, मेरा और मेरा एक फ्रेंड, मैं और मेरा बेटा। ओके, जो वन टू वन रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, वो आएगा आपके साउथ वेस्ट से आएगा। ओके, अब किसी के रिलेशनशिप खराब होने का, रिलेशनशिप मतलब जनरली याद रखो, हम वहां पर जनरली वाइफ एंड हस्बैंड लेते हैं, मगर जनरली लिया जाता है कि वन टू वन रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट ये है कि वहां पर पितरों का भी स्थान है। पितरों का मतलब क्या हुआ, आपका और आपके एंसेस्टर का रिलेशनशिप भी गिना जाता है साउथ वेस्ट से। ओके, नेक्स्ट सर, एक सेकंड, इसमें एक क्वेश्चन था, स्किल का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस, स्किल, रिलेशनशिप एंड स्किल है ना, वहां पर साउथ वेस्ट कौन सा है, स्किल्स है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सपीरियंस। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कांट हैंडल द रिलेशनशिप, इसीलिए किसी को समझते नहीं तो रिलेशनशिप पड़ जाती है। ओके, हम ग्रुप में तो बहुत अच्छी तरह मूव हो जा सकते हैं, मगर हम फेल होते हैं कहां पर, वन टू वन रिलेशनशिप में हम फेल हो जाते हैं। जब वन टू वन में आप रहोगे तो यू विल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स,
आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है तो वो होता है साउथ वेस्ट से। वहां पर क्या होना चाहिए स्टडी और क्या है बेस्ट आइडियल पोजीशन क्या है सर? यहाँ पे बेडरूम क्यों नहीं हो सकता जब रिलेशनशिप का जोन है तो? रिलेशनशिप का है बेड मतलब बेड का मतलब क्या है प्लेजर है ना रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में स्किल चाहिए ना। आप क्या बात कर रहे हो कैसे बात कर रहे हो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो उसके लिए आपको स्किल वो बेडरूम का कैसे नहीं हो सकता है क्योंकि वो रिलेशनशिप का मेंटल लेवल फिजिकल रिलैक्सेशन नहीं है वो मेंटल रिलेटेड एक्टिविटी है इसीलिए बेड नहीं आ सकता। बट यहाँ पे हार्मनी भी अच्छा होगा मैरिज भी अच्छा रहेगा वो रिलेशनशिप का है ये वन टू वन मेंटल लेवल है वो फिजिकल लेवल नहीं है इसलिए बेड नहीं है। जहां पर फिजिकल लेवल आएगा वहां पर आपको प्लेजर भी आएगा इसीलिए वहां पर वाइफ एंड हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ओके नेक्स्ट वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ एजुकेशन एंड सेविंग। ओके एजुकेशन एंड सेविंग। एजुकेशन का मतलब क्या है अभी जो आप कर रहे हो आप एजुकेट कर रहे हो वास्तव में या क्या कर रहे हो स्किल्स डेवलप कर रहे हो? एजुकेशन एजुकेशन और स्किल्स में बहुत डिफरेंस है याद रख लो। सपोज आप जाके अभी कोई अकाउंट में 2020 के जो लॉ आए हैं फाइनेंस में यदि आप ऑडिटिंग करते हो कोई नया रूल आया है गवर्नमेंट का वो समझते हो तो वो क्या हुआ स्किल्स में आएगा। ओके अभी आपको अकाउंट्स में आपके काम में एजुकेट की जरूरत नहीं है आपको स्किल्स है। एजुकेशन का मतलब है वेयर यू आर स्टार्टिंग टू लर्न न्यू थिंग्स आप कुछ सीख रहे हो नई चीज वो आएगा आपका एजुकेशन। अभी जैसे वास्तु हम सीख रहे हैं तो ये एजुकेशन है ये एजुकेशन है क्योंकि क्योंकि हमको कुछ नहीं आता तो हमारे लिए एजुकेशन है ना एजुकेशन। अब मेरे लिए क्या हुआ दैट स्किल्स है आपके लिए स्किल है। अच्छा एजुकेशन पैसा दे नहीं सकता है मगर स्किल जो है आपको पैसा दे सकता है ये क्या रखना दोनों में डिफरेंस ये है। ओके अब वहां पर क्या होना चाहिए स्टडी होना चाहिए क्या होना चाहिए स्टडी होना चाहिए। वहां का एलिमेंट कौन सा है स्पेस एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट है। क्लियर है नाउ ये अर्चना जी क्लियर है जी सर जी सर क्लियर है सर। साउथ वेस्ट भी स्टडी का जोन था और वेस्ट साउथ वेस्ट भी स्टडी का जोन वो अभी पे अभी अभी मत जाइए जो रूल्स है उसको पहले फॉलो करते हैं क्यों आएंगे हम देखते हैं ठीक है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है क्यों आ रहा है मैं क्लैरिफाई कर दूंगा मगर अभी एक बार लेट्स फिनिश अप द 15 जोन 32 इंफरेंसेस एंड आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट। ओके नेक्स्ट वेस्ट होम। वेस्ट क्या है एलिमेंट कौन सा है स्पेस एलिमेंट क्या है स्पेस एलिमेंट है और वहां क्या है गेन्स एंड प्रॉफिट है। गेन और प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस है बोल सकते हो गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है अकाउंट वाले बोल सकते हैं कौन जी बोल पाते हैं कौन जी बताइए शायद बोल पाओगे आप क्या सर गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। प्रॉफिट सर आफ्टर Considering all the incoming and outcoming, सब करने के बाद जो end result आ रहा है, तो वो मेरा profit है। In any sales and purchase, वो gain is like, जैसे we are gaining the knowledge, this is something we are gaining. It cannot be quantified in terms of the value. Yes. वहाँ पे pure play हमारा value हो रहा है। Yes. Monetary benefit नहीं हो सकता है। बिल्कुल। प्रॉफिट कर रहे हो गेन हो रहा प्रॉफिट हो रहा आपको गेन हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है गेन प्रॉफिट नहीं हो रहा है ये वास्तु सुनने से नहीं मेरे लिए क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है गेन भी हो रहा है गेन भी हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है आई एम गेटिंग नॉलेज न्यू कुछ कुछ सीखूंगा मैं तो। See, when I'm teaching, ना, teaching में हर समय कुछ कुछ सीखते हैं नई चीज सीखते हैं
ऐसा नहीं नहीं सीखते हैं, जब टीचिंग करते हैं तो सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ओके ओके, तो गेन मेरे लिए गेन भी है प्रॉफिट भी है। अच्छा, आप सपोज आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट एक्स अमाउंट एजुकेशन में, आपको उसका नॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। लॉस किस बात का लॉस होगा? टाइम का लॉस होगा और मनी लॉस, मनी का लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा और क्या होगा? इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा ना आपका, इंटरेस्ट लॉस होगा। सेकंड, ट्रस्ट भी तो लॉस होगा ना? यस, ट्रस्ट भी लॉस होगा डेफिनेटली। आप फिर नेक्स्ट टाइम जब क्लासेस करोगे तो क्या होगा, 10 बार इंक्वायरी करोगे टीचर के बारे में? डेफिनेटली। सवाल यहां मनी का नहीं है, मनी इज नॉट अ बिग थिंग, 3-5000 3,500 इज नॉट अ बिग अमाउंट। टाइम जो फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन आएगा क्या सीखने का, इतना टाइम नहीं आएगा, तो दैट्स कॉल्ड गेन। अभी क्लास तो खत्म हो गई है, इफ यू नॉट गेटिंग सफिशिएंट नॉलेज देन गेन क्या हुआ आपका? 100% नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ। ओके, आया समझ में गेन अभी क्या है? अभी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अर्चना जी पढ़ा रहे हैं, सब आप कहते बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो गेन है प्रॉफिट है? सोच रहे थे बोलना, अर्चना जी गेन है सर, गेन है, प्रॉफिट नहीं हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता। जब आप प्रॉफिट में कन्वर्ट, प्रॉफिट में सोचते तो रिलेशनशिप क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बिल्कुल, आप धंधा करते हैं, कई ब्रांड्स क्या करते हैं, प्रॉफिट मतलब बिजनेस, बिजनेस है। आप, मैंने इतना खर्च किया इतना देने को, तूने बचपन में मेरे पाला तो अब बुरा में मेरे को पाल, वो क्या है? वो प्रॉफिट एंड गेन है। प्रॉफिट, आप गेन देखोगे, बच्चा पढ़ा है और बड़ा हुआ, अच्छी पोजीशन पहुंच गया, आपको जो सेटिस्फेक्शन होगा वो अलग, गेन, वो गेन, वो गेन होना। आज समझ में जी सर। आप मूवी गए हो और आपको मजा नहीं आया मूवी में, तो आपको गेन होगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस, लॉस होगा, लॉस। तो समझ में आया लॉस और प्रॉफिट में? जी सर। अब नवीन जी बिजनेस करते हैं, ओके, आप सुबह शाम तक गेन होता है प्रॉफिट होता है? वो प्राप्तियां होती है, गेन होता है सर? नहीं, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, नहीं, ये तो बाद में प्रॉफिट होता है ना। हाँ, गेन तो होगा। हाँ, गेन होगा, मगर लास्ट में क्या होगा, प्रॉफिट तो होगा ना। आपने एक कोई बेचा है एक अमाउंट का, आप थोड़ा 10% ज्यादा लगा के बेचोगे ना, तो प्रॉफिट तो होगा ना। हाँ, जब ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे अलग बात है, बट आइटम बात भी देखोगे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हम बिजनेस में, हो सकता है लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, तो हाँ, क्या हुआ, वो लॉस हुआ, हम लोगों को लॉस हो गया ना। यस, लॉस हो गया। असल में गेन और प्रॉफिट का लॉस का मतलब क्या है, इस कीवर्ड को पकड़ना पड़ेगा आपको बहुत बारीकी से। हाँ, और पूरा खेल दो का ही है, एंट्रेंस और जोन का ही है। एंट्रेंस और जोन समझ में आ जाते हैं, आप खेल सकते हो उसके साथ, एंट्रेंस और जोन के साथ खेल सकते हो, पूरा खेल उसी का है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भाव होते हैं ना, अर्चना जी के लिए बताऊं, अच्छा है, अर्चना जी को आता है, भाव कितने इंपॉर्टेंट है, भाव नहीं समझ में आते, कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आते, क्या होता है, आप कुछ भी नहीं कर पाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही ये 12 इंट्रेंस बहुत ईजी है, इंट्रेंस डायरेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, इंट्रेंस में खेलना कुछ नहीं है, पूरा खेल है 12 जोन का ही, सॉरी 16 जोन का और 12 भावों का। नेक्स्ट है वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है, वहां पर पढ़ो एक बार, सोचना, पढ़ते रहना। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन है, डिप्रेशन कब होता है? आपने जब कुछ सोचा, कुछ गोल करना है, जब अचीव नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, गेन नहीं हुआ, तो क्या होता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है। मैंने कल क्या लिखा था आप लोगों को, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस करके लिखा था मैंने, क्यों लिखा था मैंने? डिप्रेशन हो जाएगा नहीं तो, नहीं तो क्या होगा, आप क्या डिप्रेस हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं सीखा मैंने,
सबसे बड़ी बात क्या, कौन कौन आपको पॉइंट आउट करेगा? मैं तो करूंगा और नेक्स्ट क्लास में आप बैठ जाओगे तो मेरे को चिंता नहीं है, मगर घर वाले क्या बोलेंगे आपको सोचे देखना। एक में सवाल मनी का नहीं है, हर जगह मनी का नहीं है। क्या बोलेंगे, 20 दिन 15 दिन सीखा है, क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा है, टाइम वेस्ट किया। कम से कम दुर्गा पूजा में जाते तो अच्छा रहता था, शर्मा जी की वाइफ बोलेगी वहां से पूजा के लिए क्लास के लिए 7:30 को वहां से लेके आया, वहां डांडिया भी नहीं खेल सके, पूरा एंजॉय भी नहीं कर सके, और तू देखो अटेंड है गौरव जी और अभी डिप्रेस होके बैठे हैं। फायदा क्या हुआ वो क्लास लेने का? फायदा क्या हुआ? अब नेक्स्ट टाइम जब क्लास करोगे तो क्या होगा मैडम, पिन पॉइंट होगा आपने। ये भी क्लास ऐसी रहेगी, जूम में क्लासेस ऐसी होती हैं। देखो थंब रूल बन जाएगा कि क्लास क्या होती है, जूम में कोई सीखता नहीं है और क्लासेस ऐसी होती है, वेस्टेज है, पैसे वेस्ट है। हमने तो सर बहुत सीखा है जूम क्लासेस में, पूरा लॉकडाउन लॉकडाउन टोटल यूटिलाइज। नहीं नहीं, आज के जमाने में जूम ऑनलाइन सस्ता भी है और इफेक्टिव भी है। सेकंड पॉइंट जहां है, जिससे हमको जुड़ना है उससे जुड़ सकते हैं, आउटलुक बने 500 ग्राम से, और कंपेयर किया जाए सस्ता भी है सारो के बाद। ओके, क्योंकि आने जाने में पैसे लगाओ, मगर एक एक पॉइंट ये होता है यहाँ पर पर्सनल अटैचमेंट इंटरेक्शन कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक एक ड्रॉबैक है, मगर इसको अल्टरनेटिव बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर करके, ये कर एक्सरसाइज कर उसको हम यूज कर सकते। जैसे मैंने कल एक्सरसाइज दिया था आपको और आज दो एक्सरसाइज और दूंगा तो उस पर करना है। कौन कौन नहीं किया आज? अरविंद जी आपने होमवर्क नहीं किया आज? अरविंद जी हाँ होमवर्क नहीं किया आपने? व्हाट्सएप होमवर्क? हाँ, वेर इज द होमवर्क? 16 जून सर, एक्चुअली टुडे आई वेंट सर, okay, the reason I didn't do so. Okay, at least do it. I'll do it on Sundays. Yeah, not now, at least do okay, tomorrow sir. And do it whenever get time. Okay, sir. That experience is okay, going sir. To kill your drawbacks, big points. Okay, okay. कितना क्लास सुनते नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना ग्राउंड लेवल पे काम करते हो वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ग्राउंड लेवल पे जब केस करते हो तो पसीने छूट जाते हैं, याद रखना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने इजी नहीं है ये, बिल्कुल ऑपरेशन करने की तरह, हार्ट ऑपरेशन करने की तरह है ये घर। किसी की जिंदगी के साथ हम खेल रहे हैं, किसी की लाइफ के साथ प्ले कर रहे हैं। ओके, आप जब सांख्या दर्शन पढ़ोगे ना, जब पता चलेगा वास्तु, हाँ यहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, ये सिंपल वास्तु कोई वाल के लिए नहीं है, ये मनोमय कोष के लिए है, और उसको समझना है मनोमय कोष को, तो आपको सांख्या दर्शन पढ़नी पड़ेगी। मैं लूंगा एक दिन सेशन, 2 घंटे का होता है मेरा, तो बैच के लास्ट टाइम लिया, फिर अभी फिर लूंगा। जी सर, बिल्कुल सर, सिंपल है, कुछ नहीं है, सब कुछ पता है हमको, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। सपोज आपने कोई चीज देखी है तो क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बॉडी पर, क्या प्रभाव पड़ेगा सोचिए। देखो एक मर्डर सीन देखा तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपको, ये स्वामी विवेकानंद का जो देखा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, फोटो देखा तो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। हाँ, वही बताता है सांख्या दर्शन, इसीलिए मेडिटेशन करने का कारण वही है कि ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटल लेवल। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन का मतलब क्या है, डिप्रेशन का मतलब क्या है, जो चाहा वो नहीं मिले। हाँ, डिप्रेशन का मतलब है जो चाहा है वो नहीं मिला तो क्या हुआ, विल गेट डिप्रेस्ड। वो डिप्रेशन भी तो है ही, डिप्रेस का मतलब आपने प्रॉफिट और गेन का सोचा था नहीं मिला, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। डिप्रेशन मतलब टैबलेट लेना नहीं है, आपको जाके साइकोलॉजी पेशेंट को नहीं बताना है, ओके, या डॉक्टर को नहीं दिखाना है, मानसिक रोगी डॉक्टर,
तो मतलब कहने का मतलब ये है मनोचिकित्सक राइट वर्ड है ओके। तो इसका मतलब है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपको क्या देता है डिप्रेशन से निकालता भी है, डिप्रेशन देता भी है निकालता भी दोनों ही है। इसका बात चार समझेंगे जब समझेंगे। अब सपोज जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी कुछ चीज नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारी आती है हर एक की लाइफ में आती है हर एक की लाइफ में। तो आप क्या करते हो, मन कैसा हो जाता है कभी कभी बोलो क्यों हो जाता है कौन जी, मन कैसा हो जाता है अर्चना जी? जी सर। कैसे लगता है, एकदम डल सा लग जाता है, डिप्रेस लगता है, कैसे लगता है थॉट लेवल? बिल्कुल। अब देखो अब जो जो लेडीज होती हैं तो क्या करती हैं, शाम को 10 मिनट बात करेगी, बैठ के गप्पे मार लेगी, एक दूसरे की फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, बाहर फेंक देते बता देते हैं, और क्या होता है सोचो देखो, जितने भी ज्यादातर लेडीज जो है शाम में 5-10-15 मिनट मिलेगी कट है, क्यों क्यों मिलना, कारण क्या है? वो चिटचैट नहीं है, वो अपना घर का पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर फेंक दे रहे हैं निकालकर, दैट वे दे गेट रिलैक्स्ड। यदि 5-10 मिनट नहीं बात करे किससे, कैसा लगता है उस दिन अर्चना जी? सर मेरे लिए कैसे लगेगा मुश्किल हो जाता है सर। नहीं डेफिनेटली कोई ना कोई होना चाहिए जिससे हम ताकि हम किसी शेयर करें, वो भी क्या है उससे बाहर निकल जाते हैं ओके। अब आदमी नहीं करता है, आदमी नहीं बोलता है, किसी अपने ईगो के कारण नहीं बोलता है, मेरा जैसा आदमी मेरे फ्रेंड को बोल देगा, पर हर आदमी नहीं बोलता है। हाँ सर ये मेल्स की थोड़े प्रॉब्लम है थोड़े, तो कहीं ना कहीं अंदर फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, अंदर घुटन सी होती है, बोल नहीं सकते हैं और ना अंदर निकल सकते हैं, वो उससे बाहर निकलना है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बैलेंस नॉर्थ वेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन, या वो है डिटॉक्सिफिकेशन। लिख लीजिए अभी, लिख लीजिए ईएससी जो है मेंटल लेवल है, ईएससी जो है ईस्ट साउथ ईस्ट मेंटल लेवल लिख लीजिए। कौन जी? साउथ वेस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल ओके। हेलो कर लो, हेलो कर रहे सर, हेलो। एक बार आती है सर वो, एक बार देखने आती है कि बराबर पढ़ाई चल रही है पापा की नहीं तो बार चेक करती रहती है, देखो पापा भी पढ़ाई करते हैं और पिता बराबर। हाँ जाओ ठीक है चलो। ईएससी जो है वो मेंटल लेवल है, कि मेंटल लेवल एनालिसिस कहाँ करते हैं, मेंटल लेवल करते हैं। और जो साउथ साउथ वेस्ट है वो क्या है, फिजिकल लेवल है, फिजिकल लेवल। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है इमोशनल लेवल। सर एक है ईस्ट साउथ ईस्ट वो मेंटल लेवल, हाँ इसका वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट फिजिकल, फिजिकल है डिटॉक्सिफिकेशन, फिजिकल है इसलिए टॉयलेट है वहां पर। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या है, इमोशनल लेवल। ठीक है नेक्स्ट है वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए बोलिए कौन जी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या होना चाहिए एक्टिविटी, आइडियल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अनम्यूट करो। हाँ सर टॉयलेट आए तो चलेगा, टॉयलेट होना चाहिए सर टॉयलेट। वहां पर क्या लिखा हुआ है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना? देखिए अपने उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ स्टोर, स्टोर है टॉयलेट नहीं होगा, वहां पर स्टोर आना चाहिए ओके। कारण उसका कारण
ये भी तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन वाला ही कुछ तो है ना गड़बड़। नहीं, दो तीनों अलग अलग है। मैं अभी 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 आगे हम पढ़ेंगे, पहले अभी स्पेल भी समझ जाओ। इफ एंड बट मत लगाओ, क्योंकि आप अभी इस वक्त ना अपनी लॉजिक मत लगाना, क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं। जब समझ जाओगे, बेस बन जाएगा ना, तो आप समझ में आएगा क्यों हो रहे हैं पांच में। ओके, वहां पर स्पेस एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट। क्या है? नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट एंड बैंकिंग। ओके, सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट का मतलब क्या है? हमको फैमिली सपोर्ट जैसा? नहीं सर, फैमिली सपोर्ट भी हो सकता है। क्या आपका बॉस सपोर्ट नहीं करता है? कोई भी चीज का सपोर्ट हो सकता है ना। क्या आपका बॉस सपोर्ट नहीं कर रहा है? कोई काम नहीं आया, समझ में नहीं आया, सपोर्ट नहीं करता है, समझाता नहीं है, हमारे क्वेरी सॉल्व करता नहीं करता है। या कोई सीनियर होगा, कोई किसी को हो सकता, कोई अपना जूनियर भी कभी समझा दे हमको। जरूरी नहीं कि हम सीनियर समझाए प्रॉब्लम। सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जो सपोर्ट जो है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट। हमें सपोर्ट कौन दे रहा है क्लासेस के लिए? सबसे बड़ी बात है इंटरनेट वाला, जूम वाला, ये दो चीजें क्यों है? मेजर सपोर्ट है आज की दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और कौन सपोर्ट है? ये लैपटॉप वाले, मोबाइल वाले, और इलेक्ट्रिसिटी हमको अनडिस्टर्ब दे रही है। और कौन सपोर्ट है? गवर्नमेंट सपोर्ट है, मान्यता दी है। नहीं तो हम पढ़ते तो क्या होता था? जो जो पढ़ाते हो जो पढ़ते थे क्या होता था? नहीं, मान्यता नहीं होती तो हम पर केस लगाया जाता था, गवर्नमेंट केस डाल देते हमको, अंदर कर देते। तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, मतलब कोई भी पढ़ा सकता है तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट। नहीं तो क्या होता, फिर नहीं पढ़ाते तो क्या होता था? पढ़ा ही नहीं सकते आप। नहीं पढ़ा सकते, हम जेल में होते थे अभी पढ़ते थे तो इलीगल होता था ये। इलीगल हो गया। हाँ, तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट है। इसके अलावा ये तो डायरेक्ट सपोर्ट है। सेकेंडरी सपोर्ट आपके फैमिली मेंबर, आपकी लड़की बस देख के चले गए, डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आपके फैमिली मेंबर। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो, आपके क्लीनिंग वाली जो मेड है उस काम करती है, राइट टाइम पे काम करती है, तो वो भी तो सपोर्ट है आपके। सब्जी वाला आपको किसान भी तो सपोर्ट है। कितने लोग हमारे जीवन में एक काम करने के लिए कितना सपोर्ट देते हैं? किराना वाला, किसान, पेट्रोल वाला, गाड़ी वाला, रिपेयरिंग वाला, सब हमारे सपोर्ट के लिए है ये। उसी तरह हम किसी न किसी और को सपोर्ट दे रहे हैं। हमको भी सपोर्ट मिल रहा है, हम किसी और को भी सपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब म्यूचुअल सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये म्यूचुअल सपोर्ट कहाँ से आता है? नॉर्थ वेस्ट से आता है। कहाँ से आता है? नॉर्थ वेस्ट से आता है। नॉर्थ वेस्ट और एक क्या है? बैंकिंग। और क्या है? सपोर्ट एंड बैंकिंग। सपोर्ट का मतलब ये है, बैंकिंग का मतलब है आपकी सेविंग्स। क्योंकि आप सपोज आपको आपके पास कोई टच हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोर्ट फाइनेंशियल नीड है और आपके पास बैंक में एफडी रखी हुई है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई लैंड में, घर में, तो क्या करोगे आप? उसको यूटिलाइज करोगे नहीं करोगे? अर्जेंट जरूरत है तो वो भी सब सपोर्ट में आई ना। इसका मतलब है बैंक में रखा हुआ पूरे चीजें, म्यूचुअल फंड, वो आपको सपोर्ट में, इसीलिए बैंकिंग है। बैंकिंग का मतलब देखो, कैश बैंकिंग नहीं करा जाता। कैश वो लिक्विड कैश है, वो साउथ ईस्ट का है। ये जो है, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो है आपके नॉर्थ वेस्ट। बैंकिंग का मतलब होता है फिक्स्ड। ओके, वो है आपका बैंकिंग, अर्थ एलिमेंट। हाँ, अर्थ एलिमेंट। तो वहां पर क्या है? एक्चुअली अर्थ और वाटर दोनों कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इस वक्त हम अर्थ लेंगे, अदरवाइज वी कैन टेक इट एज वाटर। आप कई जगह पर वाटर ले सकते हो या कई जगह पर आप अर्थ भी ले सकते हो, पर अभी तो इस वक्त आप अर्थ समझिए। नेक्स्ट कौन सा है? देखो, मैंने अभी क्या बोला था, साउथ वेस्ट क्या है? रिलेशनशिप का है। ईस्ट क्या है?
ईस्ट क्या है? सोशल एसोसिएशन का है. सोशल हाँ सोशल सामाजिक संबंध सामाजिक संबंध. ओके यदि सामाजिक संबंध नहीं हो तो आप ग्रुप में बैठ ही नहीं सकते हो. यहाँ पर बैठ ही नहीं सकते. कोई भी चीज है समाज के साथ संबंध है इसीलिए आप सीख रहे हो आप रह रहे हो अच्छे कपड़े पहन रहे हो. समाज के साथ संबंध नहीं है तो क्या है? समाज से संबंध है इसीलिए समाज के रूल फॉलो करते हैं हम लोग. समाज से संबंध कैसे नहीं हुआ? है ना. हाँ समाज में आते नहीं जाते हो अलग बात है बट समाज से साथ संबंध है इसीलिए. समाज का मतलब है सोसाइटी. सोसाइटी हो सकता सिटीजन भी हो देश भी हो सब कुछ आ जाएगा. वो है ईस्ट. साउथ ईस्ट क्या है? रिलेशनशिप है. अब नेक्स्ट जोन जो बता रहा हूँ वो नॉर्थ. नॉर्थ कौन सा जोन है? नेक्स्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. सेक्सुअल अट्रैक्शन. ये जो अट्रैक्शन है किसी चीज का भी हो सकता है. आपको अट्रैक्शन क्या हो सकता है? अट्रैक्शन टुवर्ड समबडी. सम एक्टिविटी के साइड हो सकता है, कोई गेम के साइड हो सकता है, कोई लर्निंग के साइड हो सकता है, या कोई खाने के प्रति हो सकता है. अच्छा मुझे दे दो अभी कोई स्वीट ला कर दे देगा तो मैं अभी आधा किलो खा सकता. ओके वो अट्रैक्ट है मैं स्वीट के. ओके तो कहने का मतलब है जो अट्रैक्शन जो होता है वो होता है अपोजिट सेक्स के प्रति भी अट्रैक्ट हो जाओ. नेक्स्ट दूसरा है उसका एक और एक एट्रीब्यूट है सेक्स. सेक्स का मतलब है फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ए अपोजिट सेक्स. ईस्ट जो था क्या था? वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था. देखो समझ में आना. अभी अभी पवन जी ने पूछा था ना बेड क्यों नहीं आना चाहिए. अभी आंसर मिलेगा. जो ईस्ट जो था वो समाज से संबंध था वो मेंटल लेवल है. साउथ वेस्ट को था वो भी मेंटल लेवल है बिटवीन वन टू वन बेसिस पे है. इसको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा आपको. और जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है वो फिजिकल रिलेशनशिप है. तो जहां पर फिजिकल फिजिकल रिलेशनशिप आएगा वहां पर बेड आएगा. जहां मेंटल रिलेशनशिप है वहां पर बेड की क्या जरूरत है क्या? नहीं पवन जी को क्वेश्चन पूछा हूं मैं इसलिए बता सकता. नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बराबर है बेडरूम होना चाहिए. हाँ तो क्या मेंटल रिलेशनशिप के पास आपको चाहिए क्या? नहीं फिजिकल चाहिए अपन को. नहीं 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 आप फिजिकल पास के चाहिए पर बेड चाहिए कि आपने पूछा साउथ वेस्ट में बेड क्यों नहीं है. हाँ 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 साउथ वेस्ट में करेक्ट इसीलिए नहीं है. हमने अभी क्लियर हो गया. तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ये होगा. नेक्स्ट क्या है? मनी एंड अपॉर्चुनिटी. मनी मतलब क्या है? पैसा. नेक्स्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मतलब नए नए अवसर. नए नए अवसर. कौन से अवसर? आपको काम करने के अवसर. एक हो सकता है आपको जो भी जिंदगी में अवसर मिलेंगे वो अवसर आया. खाली काम करने के तो एक एक बोलने के लिए है. मनी अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी नॉन मॉनेटरी भी होता है. जरूरी नहीं है कि हर समय पैसा ही रहे. मनी और पैसा भी आएगा आपको काम कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सपोज एग्जांपल आपको कहीं जाना है. सर मनी एंड अपॉर्चुनिटी क्या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का है? नहीं नॉर्थ का. नॉर्थ नॉर्थ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ. मैंने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोला क्या? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो अट्रैक्शन एंड सेक्स का हो गया. हां नेक्स्ट नॉर्थ है. नेक्स्ट नॉर्थ है. ओके अब नॉर्थ क्या है? मनी एंड अपॉर्चुनिटी. मनी का मतलब है पैसा. पैसा का मतलब क्या है? लिक्विड वन. पैसा मॉनेटरी. और अपॉर्चुनिटी मतलब नए नए अवसर आना. नए नए अवसर मतलब क्या है? मेरे लिए क्या होगा नया अवसर? हर बैच मेरे लिए चले. मेरा अवसर है वो मुझे क्लाइंट है. आपके लिए क्या है अवसर? जो जो जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो या गेट ए बेटर जॉब. अब पवन नवीन जी के लिए क्या है? एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले. करेक्ट है. ये अपॉर्चुनिटी. अब अमित जी के लिए क्या है? एक नया क्लाइंट रोज मिले. दो चार क्लाइंट आए एस्ट्रोलॉजी वाले. अब भास्कर जी के लिए अरविंद जी के लिए क्या है? नए क्लाइंट के मतलब क्या है?
उनके वास्तु कंसल्टेंट है, मेरी जो स्टूडेंट भी आए वास्तु कंसल्टेंसी दोनों है मेरी, अपने अपने स्कोप में। ओके सर, अपॉर्चुनिटी मनी ना सर, आई गॉट वन डाउट, दिस नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दैट अट्रैक्शन सेक्स दैट यू टोल्ड नाउ दैट इट इज सूटेबल फॉर लेडीज और जेंट्स बोथ 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 Good question. See, we'll discuss when you are discussing. I got your question. When we write the same question at the time of when we are discussing tomorrow bar chart. Okay. Sir, एक और था आपने liquid case का ना एक जगह और बोला था South East. South East भी liquid case है और ये भी liquid case, दोनों difference क्या है? Opportunity है ये. ये अवसर है, मनी और अपॉर्चुनिटी है, पैसा। ये लिक्विड कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपको जॉब मिल रही है, आप काम कर रहे हो, क्या बाद में वो लिक्विड कैश में कन्वर्ट होगा ना, पहले काम करोगे ना। तो नॉर्थ मेरा लिक्विड कैश नहीं बता रहा है, नहीं वो खाली अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी है, यस, इंटरव्यू आना है, इंटरव्यू कॉल आना है, पैसा है क्या वो? नहीं, तो एक्युमुलेशन ऑफ मनी इज साउथ ईस्ट। Yes, that also cash, liquid cash, and not non-liquid cash. जो होगा वो northwest से आएगा। Northwest saving होगी। Banking. Banking. जो long term non-monetary मतलब जो saving होगी actual जो saving होगी वो होगी। Okay. अब आइए हम लोग second round में तो family sir आ रहा हूँ। तो ये हो गया आपका north. नहीं वो तो नॉर्थ वेस्ट, तो सर सपोर्ट एंड बैंकिंग था, मतलब बैंक से सपोर्ट वगैरह नॉर्थ वेस्ट है। बैंक की सपोर्ट नहीं है, हर तरह का सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट है, किसी भी का सपोर्ट होता है। और जो 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 आपने सेविंग करके रखी है, कौन सी सेविंग? कोई भी सेविंग हो सकता है, आपका नॉलेज भी सेविंग हो सकता है, नॉलेज ऑल्सो एसेट है ना आपका, जो भी एसेट जो होंगे वो आएंगे नॉर्थ वेस्ट। सपोज आपने आपने नॉलेज गेन किया है, ओके उसको क्या किया आपने, सेव किया है, और कभी यूज करोगे, कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वो भी तो सपोर्ट हुआ ना हमारा, वो भी तो एसेट है ना। ठीक है, अभी आप वापस आएंगे, एक बार वापस जब पूछना अभी आएंगे वापस आएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ सॉरी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नेक्स्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है? हेल्थ, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। यहाँ पर हेल्थ और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो पता है आपको, जो बोलने की जरूरत नहीं। हेल्थ का मतलब क्या है? मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल और इमोशनल लेवल, हेल्थ कैसा रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। हेल्थ मतलब खाली फिजिकल नहीं है, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, ये जो हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हाउस की बात कर रहे हैं। जब ऑफिस करोगे तो पता चलेगा कि इसके कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे, यहाँ वहां पर हेल्थ क्या आएगा, वहां पर एम्प्लॉइज का आएगा। ओके, तो ये है इस तरह से 16 जून। ओके, मैं 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ, जस्ट मैं पानी पी के आता हूँ, फिर विल डिस्कस अगेन वंस अगेन, डीपर लेवल में जाएंगे अभी इसके 16 जून में। ठीक है, राइट सर। बस कर सर सौरभ जी, इस बार का पूजा वगैरह तो थोड़ा नॉर्मली रहा होगा, अष्टमी नवमी। अरविंद सर यस सर, सौरभ जी हॉस्पिटल बंद है, हॉस्पिटल इधरा? हां, ओ ಏನಾಯ್ತು ತಂದೆರಿಗೆ? ಹೌದು, ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು। ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ? ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್, ಲೋ ಬೀಟ್। ओके ओके ओके
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಜಯದೇವ ಇದೆ ಜಯದೇವ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರಲ್ವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ICU 4th ICU 4 ಅಲ್ಲಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ 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 चलो सर समझ में आ रहा है अरे सर क्लियर है सर जी सर अर्चना जी क्लियर है पूरा 100% या 50% थोड़ा स्टडी करेंगे सर अभी थोड़ा आप सब समझा दिए हैं जैसे इसको पढ़ना पड़ेगा सर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा यस क्योंकि ये जो कीवर्ड है आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हो वो इम्पोर्टेंट है मैं जो इंटरप्रेट करूंगा ना वो मेरा इंटरप्रिटेशन है चलो वेट करते हैं 2 मिनट आन दीजिए ब्रेक ले लीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जून क्योंकि पूरा खेल जून पे ही है जो इंटरेस्ट हमें आ गया तो खत्म हो गया वास्तु खत्म हो गया नथिंग लेफ्ट मतलब कोई टॉपिक मतलब वो नहीं बचा भी सर इस वास्तु को एस्ट्रो वास्तु से कैसे कनेक्ट करेंगे इसको जोन जोन लेंगे ना जोन दशा लेंगे ना एस्पेक्ट लेंगे ना ओके दशा लेंगे एस्पेक्ट लेंगे पर सम टाइम जैसे नॉर्थ ईस्ट हमको पूजा का मंदिर का बताया जाता है पर मैंने कुछ लोगों को देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर उन लोगों को काफी नुकसान कर जाता है यस मंदिर नुकसान नहीं करता वहां के रखे हुए एलिमेंट तत्व और कलर मंदिर तो कहीं भी आ सकता है मगर उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट और एस्ट्रो वास्तु जब तक आप बेसिक बैलेंसिंग नहीं करते हो तब तक एस्ट्रो वास्तु के रिजल्ट नहीं मिलेगा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीजें यहाँ रखी हुई है देखो जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं मैं अर्चना के लिए अर्चना जी के लिए बता रहा हूँ आपको किसी के हाथ में पैर हाथ मार लगी है और उसको इंजेक्शन दे दिया आपने बैंडेज भी तो बांधना पड़ेगा ना ब्लड रोकने के लिए बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद 21 डेज के बाद आपको एस्ट्रो वास्तु करना है मतलब सिम्टम्स मेन है ना सिम्टम्स मैटर करते हैं yes. है ना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है yes. मर आउटर बॉडी तो क्लियर करना पड़ेगा ना पहले बिल्कुल बिल्कुल आपने एस्ट्रो वास्तु कर दिया और जोन बैलेंस नहीं है और इंटरेस्ट बैलेंस नहीं है मतलब क्या रहेगा नहीं रहेगा रिजल्ट तो नहीं आएगा हाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको संतुष्टि के लिए मगर आपको पहले बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद ही करना जैसे सर सेम हाउसेस रहते हैं हम जैसे मान लीजिए एक रूम में सेम एरिया है सेम हाउसेस हैं
मान लीजिए, और उसमें अलग अलग लोग रह रहे हैं, लेकिन सबकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। उसमें कर्म भी, उसे कर्म, लोगों के कर्म भी तो आएंगे। हाँ। फर्स्ट उसमें आपने खाली बिल्डिंग को देखा, सेम सेम ओके, और उसके प्रकृति पार्ट चेंज है ना, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेम है मगर क्या होते हैं प्रकृति पार्ट चेंज है, पुरुष पार्ट सेम है ना। ओके, हर एक की अपने अपने कर्म भी आएंगे, उनके एस्ट्रो भी आएंगे, उनके फोसल भी आएंगे, उनके पार्ट भी आएंगे। ऐसा नहीं कि सेम सेम हाउस रहा तो सेम रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं, जो नहीं है ऐसा देखा जाए तो फिर फ्लैट सिस्टम सबको एक ही होना चाहिए, एक ही स्टेप पे होना चाहिए ना। मैं वही कह रही हूँ कि सर सेम हाउसेस में एक व्यक्ति बहुत राइज कर जाता है और सेम घर में दूसरा व्यक्ति उतना राइज नहीं कर पाता, नहीं करता, कर्म ही तो आएंगे। चलो आगे दो सब लोग जी सर। ओके, अब वापस लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। कौन जी कहाँ है, कौन जी आ गए हो? आ गए सर। हाँ ओके, अब कितने जोन है, 16 जोन। पहले हमने जो देखा था जस्ट बेसिक एट्रीब्यूट देखा था, अब आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये जो 16 जोन की जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में है, उसको इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग अलग अलग कर सकते हैं, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन होगा खाली घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा और ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। ऑफिस में वही 16 जोन आएंगे और घर में भी 16 जोन आएंगे और इंडस्ट्री में भी 16 जोन आएंगे, मतलब सेम आएंगे मगर उसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो जाएगा। कैसे हो तो एक आपको, एक के लिए हस्बैंड हो सकते हो, एक के लिए फादर हो सकते हो, एक के लिए फ्रेंड हो सकते हो, एक ही आदमी है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, वैसा ही। चलो अब नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट क्या है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड। खाली सुनो अभी, कुछ कुछ नहीं दिनों समझो पहले, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, वो कीवर्ड था क्लैरिटी ऑफ माइंड। कोई भी काम करने के लिए क्लैरिटी चाहिए नहीं चाहिए, थॉट क्लियर होना चाहिए नहीं चाहिए। सपोज थॉट डिस्टर्ब थॉट है तो क्या होगा, क्लैरिटी नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगा। ओके, जब क्लैरिटी नहीं आए तो क्या होगा, आपके एक्शन कैसे होंगे, आर गोइंग टू एंजॉय इट लाइफ, नो। तो एंजॉय करने के लिए भी आपके थॉट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए पहले सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट देखा जाता है, उसे थॉट क्लियर है नहीं है। आपने बाकी जोन देख लिया, थॉट ही क्लियर नहीं है तो क्या करेगा आदमी, कंफ्यूज, कंफ्यूज रहेगा ना। कंफ्यूज जो है वो होता है थॉट नॉर्थ ईस्ट, जैसे अभी इन्होंने अभी पवन जी ने नया वर्ड निकाला वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह से कोई भी जोन जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग ले सकते हैं। ओके, अब थॉट क्लियर नहीं है तो क्या होगा, वो क्या काम करेगा, किसी में भी काम करेगा ना, एंजॉय कर पाएगा ना, समाज से संबंध जोड़ पाएगा, एंग्जाइटी भी अनवांटेड रहेगी, और कैश नहीं जमा कर सकेगा ना, कॉन्फिडेंट रहेगा। तो एक विचार जरूरी है, क्या था, थॉट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं पास कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, नहीं कोई भी आपको एक्शन करना है तो आपको थॉट क्लियर होने चाहिए क्या करना है। जब तक थॉट क्लियर नहीं है तो आपको किस बात के एक्शन करोगे जी सर। अभी सपोज आपको वास्तु पढ़ना है, थॉट क्लियर नहीं है तो क्या, दो दिन पढ़ोगे पंख मारोगे क्लास, हाँ दो चार लोगों ने फीस पे करी है, वो आए नहीं ग्रुप, तो उनके थॉट क्या थे, मैंने उनको बोल दिया कि नेक्स्ट बैच में उनको अटेंड कर लीजिए, तो थॉट क्लियर नहीं थे कि क्या करना है, क्विक थॉट थे, पैसे पे कर दिया तो समझते हैं कि आ गया, नहीं थॉट क्लियर नहीं थे कि अभी इस बैच में करूँ या उस बैच में करूँ, मेरे कन्वीनियंट टाइमिंग रहेगा नहीं रहेगा, ऑफिस आवर्स
कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उतना वर्कलोड दे पाऊंगा, सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, इतने थॉट क्लियर नहीं थे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रियल एग्जाम्पल। ओके, जैसे कभी हमने थॉट क्लियर नहीं होता तो क्या होता है, घर में खाना ज्यादा बनता है नहीं बनता है? हाँ चना जी, यस, थॉट प्रोसेस वेज भी होता है, कुछ भी होता है। हम थॉट क्लियर नहीं तो क्या करते हैं मालूम है, खाना डबल मंगा लेते हैं होटल से, कि क्या मंगाओ समझ में नहीं आता, डबल डबल मंगा लेते हैं। हो सकता है कि तीन लोगों का खाना, हम चार लोगों का खाना मंगा ले, इसकी क्योंकि हमको क्लियर थॉट नहीं, क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता है नॉर्थ ईस्ट। मतलब इसका मतलब ये क्या, देखो नॉर्थ ईस्ट बैलेंस रहेगा तो क्या होगा, आपके थॉट क्लियर रहेंगे। यदि नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस रहेगा, अभी वर्ड यूज कर रहा हूँ इम्बैलेंस, याद रखना, कल यूज करेंगे इसका। इम्बैलेंस रहा तो क्या होगा मालूम है, तो थॉट क्या रहेंगे, इम्बैलेंस रहेंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। कभी बहुत अच्छा सोच रहे हो, कभी बहुत बुरा सोच रहे हो, कभी बहुत हैप्पी मूड में रहो, कभी नहीं रहोगे, क्योंकि थॉट लेवल पे डिस्टर्बेंस रहा तो क्या होगा। रिलेशनशिप भी क्या है बताइए, रिलेशनशिप भी क्या है, थॉट ही है ना। अब हमारा बच्चे में और बाजू वाले बच्चे में देखा जाए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये नहीं देखा जाए कुछ डिफरेंस है, वो थॉट ही तो है ना, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा जो है वो थॉट है, वो निकाल दिया जाए तो क्या होगा, सभी बराबर ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो थॉट है। ओके, वहां पर एलिमेंट वगैरह सब डिस्कस नहीं करेंगे अभी, वो सब हो गया, वहां पर देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, ईएनई, इंजॉयमेंट। कौन सा इंजॉयमेंट, ये बेड वाला इंजॉयमेंट नहीं है, याद रखना, ये इंजॉयमेंट जो है बाहर जाकर नेचर के साथ जुड़कर या लोगों के साथ जुड़कर जो इंजॉयमेंट करना है, ग्रुप में हो या इंडिविजुअल हो, वो इंजॉयमेंट है ईएनई का। ओके, क्लियर है ये? क्लियर है सर। नीलू जी, नीलू जी बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, शायद हो गई तबियत ठीक नहीं, नीलू जी की तबियत ठीक नहीं। ओके, नेक्स्ट ईएनई का, ईएनई का इंबैलेंस होने से यू कांट एंजॉय योर लाइफ, राइट। ओके, आप क्या करोगे, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, किसको, लाइफ को, क्योंकि इंबैलेंस क्यों नहीं कर पाओगे, पहले वाला जो थॉट क्लियर नहीं है तो क्या करोगे आप लाइफ में, एंजॉय कर पाओगे क्या, नहीं। तो थॉट क्लियर होना जरूरी है एंजॉय के लिए। ओके, जब तक थॉट क्लियर नहीं है तो आप क्या एंजॉय करोगे, एब्सोल्युटली आप सपोज एग्जांपल लाइफ में तो एंजॉयमेंट ही नहीं है। सपोज थॉट क्लियर नहीं है कि मैं शराब क्यों नहीं पीऊं, तो क्या शराब पीने को एंजॉय कर पाएगा, ड्रिंक को। ओके, फर्स्ट पॉइंट, अब उसको कहाँ जाना है लाइफ में है ही नहीं, कभी ये काम करता है, कभी वो काम करेगा, कभी ये करेगा, कभी धर्म बल बहुत धर्मात्मा बन जाएगा, कभी देखा तो एक महीने में बहुत शराबी पीने लग गया, नेक्स्ट मंथ देखा तो बहुत धार्मिक बन गया, एक महीने देखो तो उसको भगवान गाली भी देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, इससे भगवान गाली भी देने वाले मिलेंगे, तो थॉट क्लियर नहीं है। अच्छा, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स है वो किसके लिए है, थॉट क्लियर, थॉट डिस्टर्ब है इसीलिए मेंटल है, थॉट डिस्टर्ब है इसीलिए मेंटल है। आप सांख्य दर्शन जब पढ़ाओगे समझ में आएगा मेंटल प्रॉब्लम क्यों होते हैं, माइंड जब डिस्टर्ब रहता है तो थॉट भी डिस्टर्ब रहता है। हेलो, ओके सर, एक फॉर एग्जांपल आया है, हाँ दिमाग में आया, हाँ क्योंकि जैसे आपका थॉट भी क्लियर नहीं है, हाँ, और इसका भी प्रॉब्लम है अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, तो छुट्टियां मिली हैं, घूमने गए हैं 5 दिन 10 दिन के लिए, लेकिन मजा ही नहीं आया, मजा नहीं है, माई माई फाइटिंग करने लगा, मन मर्जी करने लगा, पैसे लगा के आ गए 2 लाख 3 लाख रुपए, बट मजा नहीं आया, एंजॉय नहीं आया, एक्चुअली प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं कर पाएगा, ये भी वो एक्चुअली राइट वे में प्लानिंग ही नहीं कर पाएगा, ना प्लानिंग होगी ना उधर में भी कुछ, क्योंकि वो थॉट में अटका पड़ा रहेगा, सब हेड अप रहेगा, हेड अप रहेगा,
यस यू आर राइट करेक्ट, आपने करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया, आप हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना सीख लो। ओके नेक्स्ट ई, ई ई का मतलब है ईस्ट, समाज के साथ जुड़ाव, समाज के साथ संबंध, आपके और आपके समाज के बीच में। समाज मतलब क्या है? आपके लाइक और डिसलाइक के साथ रिलेशनशिप। समाज क्या है? आपके लाइक जो है वो समाज है, आपके फ्रेंड्स के सर्कल क्या है आपका समाज है। ओके अब मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, मतलब बोल दो आप पसोगे, मेरे फ्रेंड सर्कल में सब दाढ़ी वाले दिख रही हो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है सर। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, वो बाकी लोगों से जो बाकी लोग हैं ना उनका जमती नहीं, जो स्पिरिचुअल वाले हैं उनसे जमती। मैं बिजनेस में मैं पैसा एक्चुअली थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि मेरा मेंटल लेवल कहाँ मैच करता है। यस yes, वो आता है आपका ईस्ट से। यदि आपका ईस्ट समाज से जुड़ाव नहीं है तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? पैसा भी नहीं कमा पाओगे। समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अब रामदेव बाबा है, मार्केटिंग करते नहीं करते हैं? बहुत कर, सबसे ज्यादा करते हैं। और एमडीएस मसाले वाला जो है वो भी तो मार्केटिंग करता है ना, वो बुजुर्ग जी, क्या नाम उनका, नाम बुजुर्ग। ओके अब बाकी लोग कंपनीज मार्केटिंग कौन करता है, वो एडवर्टाइजमेंट को हायर करते हैं, मगर एमडीएस मसाला वाला जो है वो खुद एडवर्टाइजमेंट करता है, पता है ना। और रामदेव बाबा खुद अपनी करते हैं, नहीं करता है। तो वो आपका समाज के साथ जुड़ाव, समाज के साथ जुड़ाव नहीं रहता आपको सेल नहीं कर पाओगे कोई भी चीज। सेल करना है तो आपको समाज से जुड़ना पड़ेगा। अब सपोज किसी लड़की की शादी करनी है तो किससे जुड़ना पड़ेगा? समाज से जुड़ना पड़ेगा। कोई भी समाज से जुड़ा हो तो ही लड़के की लड़की की शादी होगी। बिल्कुल नहीं, नहीं जुड़े तो क्या होगा? नहीं होगी, नहीं होगा। यदि आदमी मर गया है तो भी उसके जो क्रियाकर्म करना है उसके लिए समाज चाहिए ना। बिल्कुल सर। समाज नहीं है तो आप डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है। आपका लर्निंग क्या होगा समाज नहीं, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल आप, और जब आपके समाज से संबंध नहीं रहेंगे तो आप किसी के रूप में नहीं डेवलप हो सकते हो। अब यूट्यूब है, मैंने जैसे आज मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। ओके क्यों जाए कि क्यों लॉन्च किया मैंने? समाज से जुड़ना है, कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना है। तो कम्युनिटी का मतलब है वो समाज। आज हम कम्युनिटी यूज कर रहे हैं, वहां भी तो फेसबुक क्या है, कम्युनिटी तो है ना, वो कम्युनिटी सोशल प्लेटफॉर्म कम्युनिटी। तो आप जैसे आपने बोला कोरोना में मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो मतलब क्या है, सोशल एसोसिएशन अच्छा है आपका। जिसके बाद सोशल एसोसिएशन रहेगा बहुत समझदार भी रहेगा, पेशेंस भी रहेगा और बहुत डिप्लोमेटिक भी रहेगा। याद रखना, क्योंकि समाज में रहना है तो डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है। ऐसा नहीं मुंह में जो आया हमने बोल दिया, बोल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं सर। सहन भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, काम भी निकालना पड़ता है। तो सब कुछ स्किल कहाँ से आएगी आपको? समाज के साथ जुड़े जब आएगी। ओके समाज का मतलब नेक्स्ट क्या है? ईएसपी। जब आप समाज में जुड़ते हो तो क्या होता है? आप सोचते हो बुरा, सही सोचते हो, पूरा मतलब थॉट प्रोसेस रहता है कि क्या अच्छा है क्या अच्छा बुरा है। तो आप वो आता है आपका ईएससी से। ईएससी से, ईएससी जो है एंजाइटी और एनालिसिस, बुरा और अच्छे की आप उसको एनालिसिस करोगे। अब ज्यादा तो क्या होगा मालूम? आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा। उसका असर कहाँ दिखेगा? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दिखेगा उसका असर। कभी भी याद रखो एक चीज, अपोजिट जोन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे नॉर्थ है मनी अपॉर्चुनिटी था और साउथ क्या है? रेस्ट रिलैक्सेशन फेम। हाँ तो जब आपके पास मनी रहेगा तो आपको फेम मिलेगा। आपके पास समाज संबंध, ईस्ट क्या है? सोशल एसोसिएशन। सोशल एसोसिएशन रहा तो ही क्या होगा आपका? गेन होगा, प्रॉफिट होगा, डब्ल्यू। ओके जब नॉर्थ ईस्ट क्लियर रहेगा तो ही साउथ वेस्ट क्या है? उसका अपोजिट है। तो क्या होगा? रिलेशंस एंड स्किल्स डेवलप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ओके अच्छा
ये कहीं लिखा नहीं है कि ऐसे अपोजिट है बल्कि, मगर विद एक्सप्लेन बता रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं है मगर लगता तो ही है वही है ना, मगर कहीं लिखा नहीं है कि नॉर्थ ये डिस्टर्ब हो तो साउथ वेस्ट भी डिस्टर्ब रहेगा, नहीं, बट मैंने हमारे विद माई एक्सपीरियंस आई से दैट काफी केसेस में मुझे ऐसा लगा कि नॉर्थ ईस्ट भी तो प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट भी प्रॉब्लम रहेगा। ओके, अब एंग्जाइटी तो समझ कर क्या करोगे आप, समाज के यूटिलाइज करोगे तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, समाज को यूटिलाइज करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, तो आपका साउथ ईस्ट है, आपका क्या है साउथ ईस्ट है, वो आपको कैश देगा, समाज में कैश देगा, समाज से जब जुड़ोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बिजनेस करने के लिए समाज से जुड़ना पड़ेगा, तभी साउथ ईस्ट आपका एक्टिव होगा, एक्टिव मतलब रिजल्ट देगा वो। अब पैसा है तो क्या होता है, गर्मी चढ़ती है ठंडी होता है आदमी, गर्मी और जी कुछ बोल रहे हैं, बोल रहा था सर साउथ ईस्ट का जो है अगर वो खराब रहेगा तो अच्छा होने से गर्मी पैसा होता है, पैसा साउथ ईस्ट पैसा देता है, तो क्या होगा गर्मी बढ़ेगी गर्मी कम होगी, गर्मी बढ़ेगी सर, गर्मी बढ़ेगी तो यस ओके, तो कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पैसा हाथ में है तो यस कॉन्फिडेंट डेफिनेटली बढ़ेगा सर, तो इसीलिए पावर एंड कॉन्फिडेंट कौन सा है साउथ ऑफ ईस्ट, South, Southeast, right. Power and confidence भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ जाएगा, पैसा है तो क्या अथॉरिटी भी आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, क्लियर है अमित जी, क्लियर है सर, क्लियर है सर। आपने एक बात बोलने थे सर, आपने पहले बोला था ईस्ट के लिए जो सोशल एसोसिएशन, एक मिनट एक मिनट अमित जी कुछ बोल रहे हैं, समझ में आ गया, हाँ क्लियर है सर, क्लियर है, ओके फाइन, और अरविंद जी, यस सर क्लियर, भास्कर कहाँ चले गए, चले गए भास्कर, अगर किसी का ईस्ट का प्रॉब्लम है, इसका हाँ. प्रॉब्लम होने से उनका सोशल एसोसिएशन नहीं होगा, जो वन टू मेनी मोर्स का जो होता है, तो जैसे आपने, तो इसके लिए सर रेमेडीज क्या है, अरे अभी अभी रेमेडी का बात आया क्या, वो तो नेक्स्ट स्टेप में आए ना, अभी खाना नहीं बना, अभी तो रोटी भी आटा भी नहीं, उसने रोटी कैसी बनेगी, वो तो कैसा होगा, अभी कलरशीट जो आपको जो कलरशीट दी ना वो रेमेडी सी है, जो रेमेडी लगानी है वो सब देखेंगे, वो रेमेडी पार्ट बहुत ईजी है, कांस्ट समझ में आ गया ना, रेमेडीज ईजी, डायग्नोसिस होगा समझो प्रॉब्लम, मेरा ईस्ट ही ब्लॉक है एकदम, इसलिए नहीं कांट से नहीं सर, इसका ईस्ट नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहीं और है, ओके जहां पर दिखता है ना वहां पर नहीं रहता है, प्रॉब्लम कहीं और रहता है, इतने लोगों का मैं फेस देखे थे, आज मुझे देख रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ा है कौन से जोन इम्पैक्ट हो सकते हैं, आई कैन गेस इट, ओके ओके ईस्ट नहीं है, ओके अब समय में पावर पावर नेक्स्ट क्या है साउथ, जब जब क्या होगा साउथ फायर, साउथ में क्या है फायर है, आपको आपको फेम होने के लिए क्या चाहिए, आपको फायर चाहिए, मोदी मोदी जो है फायर है ना, फेम होने के लिए क्या है फायर है, म्यूट दैट, साउथ साउथ ईस्ट यस, साउथ देगा होते फेम यस, अब नेक्स्ट क्या है, आपको पावर एंड कॉन्फिडेंट आ गया, आपका फेम हो गया, तो थोड़ा तो खर्चा होगा नहीं होगा, खर्चा होगा ना, थोड़ा एनर्जी का तो एनर्जी का कंज्यूम तो होगा ना फेम बनने में, एनर्जी का पैसे का दोनों का होगा, हाँ दोनों का होगा, तो वो क्या है साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज, क्या लिखा हुआ मतलब पढ़ना होगा एक्सपेंडिचर, कुछ और लिखा हुआ क्या, वेस्ट एंड यूजलेस इन योर लाइफ, ओके क्या लिखा सौरव जी, एक्सपेंडिचर एंड स्किल माने एक्सपीरियंस, आप कहां से निकाल रहे हो ये, मैं आपको अलग दिया क्या,
मेरा तो यहाँ पे यही लिखा है। चलो ठीक है, आपने कहाँ से लिया ये? मैं आपको ये भेजा क्या मैंने? सर आपने दिया है, आपने दिया है, आपने दिया ना, एक साउथ साउथ वेस्ट में लिखा है तो साउथ साउथ वेस्ट वहाँ पर वही एक्सपेंडिचर एंड स्किल, वहाँ पर वो स्किल नहीं है, एक्सपेंडिचर वेस्टेज है, वो टाइप ऑफ मिस्टेक हो। साउथ वेस्ट लेटर एंड स्किल्स? नहीं 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 नहीं, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज, सॉरी वहाँ वो स्किल नहीं है, टाइप ऑफ मिस्टेक है, वो वेस्टेज है, करेक्शन कर लीजिए, वेस्टेज एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज, यस करेक्ट, वेस्टेज, साउथ साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज, यस टॉयलेट, यू आर राइट। तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वेज होगा, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है, वो कलेक्ट करना चाहिए ना, कहीं ना कहीं कलेक्टर है ना, वो साउथ साउथ वेस्ट क्या है, कलेक्टर है, वो कलेक्ट करेगा आपको और वो फ्लश आउट करेगा, यदि फ्लश आउट नहीं करेगा तो क्या होगा, एनर्जी को वो बैड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। या देखो आप टायर्ड हो गए हो, रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट नहीं किया तो क्या होगा, अब पवन जी है, पवन जी आप काम करोगे अभी, आप दो दिन तक काम करते तो क्या होगा आपके हाल, आवाज नहीं आ रही, एक्सर्शन बहुत होगा, एक्सर्शन एक्सर्शन बहुत ज्यादा होगा, तो जो एक्सर्शन होगा तो बॉडी क्या रहेगी, टायर्ड हो जाएगी या हेल्थी रहेगी? बॉडी बिल्कुल टायर्ड, वीक, ओके, मतलब बैड एनर्जी बढ़ गई, अब उसको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, जो टायर्डनेस को रिजनरेट करना पड़ेगा, हाँ विसर्जन करना पड़ेगा, किसका, वो बैड जो टायर्डनेस का विसर्जन करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, उनको सोना पड़ेगा, दूसरा रास्ता ही नहीं है, प्राणायाम कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, मगर उनको सोना ही पड़ेगा, रेस्ट करना ही पड़ेगा, तो वो आएगा साउथ साउथ वेस्ट, नहीं किया तो डिस्पोजल में जाएगा, वेस्टेज में जाएगा। और सपोज साउथ साउथ वेस्ट यदि नहीं गया तो क्या होगा, एक दिन सोचो कॉन्स्टिपेशन हुआ तो क्या होगा, क्या होगा देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम होगा, ओके। अब मैंने क्या बोला, ईएससी क्या सोचती, ईएससी क्या मेंटल लेवल है, साउथ साउथ वेस्ट क्या फिजिकल लेवल है, क्या है फिजिकल लेवल, क्या है फिजिकल लेवल, इंपैक्ट कहां पर हो रहा, देखो वो मेंटल लेवल इंपैक्ट हो रहा है, ये फिजिकल लेवल इंपैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या है, रिलेशनशिप एंड स्किल्स, रिलेशनशिप एंड स्किल्स, रिलेशनशिप किसके साथ, जो ईस्ट था वो क्या था, वन टू मैनी रिलेशनशिप था, ये तो वन टू वन है, ये वन टू वन है, किसके भी बीच में हो सकता है रिलेशनशिप, मगर जनरली रिलेशनशिप मतलब वाइफ एंड हस्बैंड के बाद देखते हैं, बट आपकी रिलेशनशिप किसी बिगड़ जाती है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ साउथ वेस्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ओके। अब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को क्लियर रखना है तो आपको स्किल चाहिए नहीं चाहिए, यू शुड नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, ओके। आप सब अर्चना जी बड़े बड़े बच्चे होंगे, आपके कितने बड़े बच्चे हैं सौरभ जी? मेरा तो क्लास 12 में है लड़का, 12 का है, तो आप उनका अर्चना जी का लड़का बड़ा है, तो ओके, तो उनको डिप्लोमेटिक हैंडल करना पड़ता है, राइट, इसको भी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक क्योंकि यंग बच्चे, छोटे बच्चे को तो क्या कि नॉन डिप्लोमेटिक यूज कर सकते हैं प्यार से, मगर बड़े बच्चे को प्यार से नहीं हैंडल नहीं कर सकते, डिप्लोमेटिक हैंडल करना पड़ेगा, ओके। तो सरकमस्टेंसेस अलग अलग होंगे, मैं एग्जांपल दिया हूँ, और प्यार से भी हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्किल चाहिए नहीं चाहिए, रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए, चलिए ओके। अब रिलेशनशिप में क्या होता है मैडम, यू शुड नो व्हेन टू से यस एंड व्हेन टू से नो, ओके, दैट कम फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दैट रीजन यू नीड स्किल्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, जब तक स्किल नहीं है आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने की, तो क्या आप मेंटेन कर पाओगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब
मैंने क्या बोला था, जनरली अपोजिट कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट है तो अपोजिट कौन सा होता है, साउथ वेस्ट होता है, याद रख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या, साउथ वेस्ट होता है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। अपोजिट देखिए, yes. जो आपने जोन ड्रॉ किया है वो अपोजिट हो रहा है, देखिए। मैं बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। ईएनए का क्या होगा, साउथ साउथ, वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट होगा। WH, हाँ, 1 डिग्री। यस, ओके। नॉर्थ का क्या होगा, साउथ होगा। ईस्ट का क्या होगा, वेस्ट होगा। और साउथ ईस्ट का क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। ओके, साउथ ईस्ट में कैसी है तभी जाके आप सेविंग कर पाओगे, कैसी सेविंग कर पाओगे क्या, साउथ ईस्ट। देखो साउथ ईस्ट क्या है, कैश कैश में बताया था मैंने। नॉर्थ ईस्ट क्या है, सेविंग है ना। नॉर्थ ईस्ट क्या है, सपोर्ट एंड बैंकिंग। हाँ, सपोर्ट एंड बैंकिंग। उसका कैश से सपोर्ट क्या मिलेगा आपको, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। पैसा है तो सपोर्ट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अब पैसा रहा तो ही आप प्रॉपर्टी बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट मतलब, नॉर्थ ईस्ट मतलब है प्रॉपर्टी भी आता है। तो जब तक कैश नहीं तो क्या प्रॉपर्टी बनाओगे। ओके, मतलब वाइस वर्सा, मतलब ये होने से ये मिलेगा, ये होने से ये होगा। वाओ, ओके। तो इस तरह से नॉर्मली अपोजिट जोन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स द एनी। आप सपोज गेन, आपके सोशल एसोसिएशन नहीं है तो गेन गेन होगा क्या आपको। एग्जाम बताता हूं, आपके सपोज आपकी लड़के की शादी करनी है 5-8 साल के बाद। आजकल आपके पास कोई समाज में संबंध नहीं है, समाज मतलब आपके भाई बहन ये उधर उधर सबके संबंध नहीं है, तो क्या आपके लड़के की शादी के लिए प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। देखो तो ईस्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन वेस्ट। ओके, अब लड़की बड़ी हो गई घर में, शादी की लायक है और लड़का देखना है, आपके समाज में संबंध नहीं है तो क्या होगा, क्या शादी कर पाओगे, नहीं कर पाओ। तो इसीलिए कोई भी चीज गेन करना है तो आपको ईस्ट भी देखना पड़ेगा, ईस्ट समाज में संबंध होना जरूरी है। ओके, अब नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी नहीं है आपके थॉट में तो क्या रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, ये अपोजिट है। और साइड बाय साइड एक दूसरे से जोन भी रिलेटेड रहते हैं। ओके, ये कहीं लिखा नहीं है, विद आवर एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है। सर ये बोल सकते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट आपने बोला क्लैरिटी ऑफ माइंड, ओके, क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो भी माइंड को बोले थॉट का बोले, सो उसका ऊपर डिपेंड होता है हमारा साउथ साउथ वेस्ट। जैसे साउथ वेस्ट क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट होने से रिलेशनशिप होगा, वन टू वन रिलेशनशिप, एंड द एक्सपीरियंस भी बिल्ड अप होगा, राइट। तो दिस इज डिपेंड अपॉन दैट ना। सो नॉर्थ ईस्ट इज टोटल डिपेंड अपॉन द साउथ वेस्ट, मतलब इसके साथ रिलेटेड है, ऐसे ही तो बोलना है। ये कोई था मतलब रूल नहीं है, जस्ट बट जनरली इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आपने ईस्ट बोला है, ईस्ट का अपोजिट है वेस्ट। ईस्ट आपका क्या, सोशल एनालिसिस एसोसिएशन, माने वन टू मेनी। अगर सोशल एसोसिएशन होगा तभी आपका वेस्ट में गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा। विदाउट गेन प्रॉफिट एसोसिएशन से नहीं होगा, यही तो आप बोलना चाहते हैं। ओके, नॉर्थ एंड साउथ, एब्सोल्युटली राइट। जैसे नॉर्थ एंड साउथ दोनों अपोजिट है। नॉर्थ क्या देता है, नॉर्थ हमको देगा, नॉर्थ से मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। यस, कट वाइस कट हो गया आपका, वाइस कट हो गया। पोजीशन एंड फेम मिलेगा। हां, पैसा नहीं तो क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं तो फेम क्या मिलेगा आपको, फेम नहीं मिलेगा, रेस्ट ऑफ रिलैक्सेशन और नहीं मिलेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दैट। ओह एक्सीलेंट। तो ऐसा करके 16 जोन 8-8 जोन का ऊपर डिपेंडेंट है, अपोजिट 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 डिपेंडेंट। और सीक्वेंस में भी है, फिर सीक्वेंस में भी है, सीक्वेंस है। ओके, मैं बताऊंगा पहले, लेट मी फिनिश अप। नेक्स्ट क्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट का मतलब क्या है, एजुकेशन एंड सेविंग। एजुकेशन एंड सेविंग, एजुकेशन का मतलब क्या है। अच्छा, साउथ वेस्ट कहता है स्किल का, स्किल का मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये जो जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, थ्योरेटिकल नॉलेज है।
ठीक है। और सेविंग का मतलब क्या है, आपने जो नॉलेज गेन किया है उसको सेव करना चाहिए, किसके लिए, टू गेन। कोई भी आपने सीखा है, ये एजुकेशन कर रहे हो, उसका सेविंग कैसे करोगे, आप सेविंग कैसे करोगे, सोचो एक मिनट जी। जी सर, जो जो गेन करोगे, आप क्या समझते हो कि एजुकेशन एंड सेविंग के बारे में क्या समझते हो, किस कॉन्टेक्स्ट में सर, आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सर एजुकेशन तो सर बहुत बड़ी सेविंग है लाइफ की। यस, जब तक सेविंग नहीं तो गेन गेन कर पाओ, सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपने पढ़ा इसको भूल गया तो गेन कर पाओगे क्या, नो, तो सेविंग तो इस नॉलेज को सेविंग करना पड़ेगा, बिल्कुल, तो वो गेन में कन्वर्ट होगा जी, तो गेन में कन्वर्ट नहीं तो क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, बिल्कुल, तो जब एजुकेशन सेविंग करोगे तभी गेन प्राप्ति होगी, तो गेन की प्राप्ति ही नहीं होगी, बिल्कुल, तो ये है वो वेस्ट क्या है, गेन और प्रॉफिट है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, क्लियर है, तो वेस्ट क्या हुआ, अरविंद जी क्लियर है, क्लियर सर, अमित जी, यस सर क्लियर है, सौरव जी, हाँ सर मुझे एक सवाल था इसमें, जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट बोला आपने, एडुकेशन एंड सेविंग्स, राइट, एडुकेशन एक सेविंग्स ही है, अच्छा एडुकेशन साउथ वेस्ट का बोला मैंने, साउथ वेस्ट सर रिलैक्स, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोला ना मैंने, वेस्ट साउथ वेस्ट एडुकेशन एंड सेविंग्स, राइट सर, ओके, इसका ठीक ऑपोजिट हमारा होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जहां हमको क्या मिलता है उसमें, हमको रिक्रिएशन एंड फन, ओके, ठीक ऑपोजिट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, सो अभी एडुकेशन एंड सेविंग्स का रिलेटेड रिक्रिएशन एंड फन है, सो इट मींस टू से यू आर नॉट एंजॉयिंग, यू कांट लर्न, यू कांट लर्न, राइट, मैं उसका सर एनालिसिस, yep sir, if you don't have education and saving, so if you can, so I'll tell you like that, saving agar nahi hoga to I batata hu sir, if you're not enjoying the this classes, okay, enjoying hai ye nahi, aap samajh paoge us knowledge ko save kar paoge kya, matlab uska utilize kar paoge, saving hoga kya us knowledge ka, हाँ जो अच्छा लगेगा उसी को सेविंग कर पाएंगे ना, जो अच्छा लगेगा तभी तो एंजॉय कर पाएगा, तभी तो सीख पाएंगे, यस सीख पाओगे, तो रेट डिपेंड अपॉन दैट, जो आज तेंदुलकर बैट्समैन है क्योंकि वो खेलने के लिए पसंद करता था, वो खेलता था, एंजॉय करता था, उसको एंजॉय करता था, खेल को एंजॉय करता था, एंजॉय नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा, यस, मैं सपोज मैं एक्टिंग कर रहा हूं पढ़ाने से बोला था, एंजॉय एंड रिक्रिएशन, इफ आई एम सपोज आई एम नॉट एंजॉयिंग माय टीचिंग, मैं सुबह शाम तक नहीं पढ़ा सकता हूँ, राइट, नहीं, अभी अभी आज है ना 9:45 से डेढ़ घंटा एक केस पे डिस्कस करना है, वो ओल्ड स्कूल का घर का है, दुबई का, दुबई में रहता है वो, उसका केस स्टडी करना है, उसने ऑटो कैड बनाया है तो उसका केस को दिखना है, इफ आई एम नॉट एंजॉयिंग कैन आई कैन कैन आई वर्क फॉर अप टू 9:11 o'clock, नो सर, नो नो नेवर नेवर नेवर, तो कभी भी याद रखो कोई भी काम करते तो एंजॉयमेंट जरूरी है, यस रिक्रिएशन, रिक्रिएशन, जब स्ट्रेस ही नहीं होगा, जब लोगों को स्ट्रेस क्यों होता मालूम, दे कांट एंजॉय, क्या मोदी का स्ट्रेस देखा कभी, स्ट्रेस देखते हैं एवरी टाइम ही एंजॉय, स्ट्रेस नहीं है, नहीं है क्योंकि नहीं है, स्ट्रेस बोलने को नहीं है, सुबह 4 बजे से वो ध्यान करता है, बस ध्यान करता है, बाकी दिन भर काम करता है, हमसे ज्यादा काम करता है, हां लॉकडाउन में भी काम किया उसने, हमने तो कभी इधर उधर देखा होगा, क्या उसको स्ट्रेस नहीं है क्या, इतना बड़ा पोस्ट में स्ट्रेस नहीं होगा, हम लोग का छोटा-छोटा पोस्ट में स्ट्रेस होता है, अरे बहुत इम्पोर्टेंट सीट है बाबा, बहुत स्ट्रेस वाली सीट है वो, इतना इजी नहीं है, लगता है वो, डेफिनेटली, चल इंडिया का, हाँ नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट, पवन जी समझ में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, साइलेंस हो गया,
यस सर एकदम साइलेंस हो गया हाँ आ रहा है, आ रहा है सर नहीं इसमें एकदम सडनली एक्टिव हो गए थे उधर से मेल आया तो मैंने को करना पड़ा सर। चलो यही होता है प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चलो जब मैं जब भी करता था मेरा बॉस ऐसे करता था, दो बजे फोन करता था, मैं फोन ये रिपोर्ट भेजो अभी अभी का भी, हम लोग जब भी बना के बैठते थे कई बार भेजा मैंने। ओके नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट, सपोर्ट और बैंकिंग दो चीजें हैं, दोनों भी सपोर्ट ही है। जो सपोर्ट मतलब फिजिकल लेवल हो सकता है, इमोशनल लेवल हो सकता है, या मेंटल लेवल भी हो सकता है सपोर्ट देना। सपोज अभी पवन जी, पवन जी ने क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए था और उसके उनके बॉस के लिए या उनके फ्रेंड जो भी हैं उन्हें भेज दिया। ये क्या किया उन्होंने, सपोर्ट दिया उसको, उसको सपोर्ट दिया। नहीं देता तो क्या होता था, क्या होता था, क्या होता पवन जी, सपोर्ट नहीं देता तो एक आपका मे बी टाइम पे आपने कोई डिलीवरेबल नहीं किया है तो रॉन्ग इंप्रेशंस आपका रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट क्या होता था, में उसका काम रुक जाता था, वो भी तो कुछ कंपाइल करेगा ना आपकी रिपोर्ट लेके, करेक्ट, तो उसका काम रुक गया ना, तो ये दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। ओके हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट देता है, सपोर्ट नहीं है तो आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। ये सपोर्ट हमारे लिए सपोर्ट क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे लिए सपोर्ट हमारे जॉब है, हमारी फैमिली है, हमारे हमारे फैमिली मेंबर्स बाकी जो फ्रेंड्स है वो सपोर्ट में है। सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, आप सपोज कोई आपको सपोज कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, आपने कि अपने फ्रेंड को फोन किया और आइडिया ले लिया, वो सपोर्ट हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल सर। अब कोई बहुत आप सपोज बहुत परेशान हो मेंटल लेवल, आप किसी को फोन कर दिया और उसका सोल्यूशन दे दिया तो सपोर्ट हुआ नहीं हुआ। तो सपोर्ट भी तीन तरह, मेंटल लेवल होता है, इमोशनल लेवल होता है, फिजिकल लेवल सपोर्ट होता है। बहुत टायर्ड हो गए हो आप, अब अर्चना जी का पूछ लीजिए, दो चार मेहमान आ गए टायर्ड हो तो क्या करते हो, अपने भाई को बुला लेते हो काम करने के लिए, तो भाई को क्यों रखा है, सपोर्ट के लिए रखा है ताकि आपका फिजिकल टायर्डनेस खत्म हो जाए। यस सर, समय तीन तरह का, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और फिजिकल लेवल सपोर्ट होगा। दूसरा सपोर्ट क्या है, आपकी सेविंग्स, आपकी सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ कौन सी, प्रॉपर्टी के रूप में, शेयर्स के रूप में, पीएफ के रूप में, या इंश्योरेंस के रूप में, या एलआईसी के रूप में, जो भी सपोर्ट है, या कोई भी इंश्योरेंस भी हो सकता है सपोर्ट के लिए, तो वो आता है आपका नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट जो है अभी आपको सपोज मतलब एक थॉट आ रहा था, लोन मल्टीपल चल रहे हैं या अभी या किसी को लोन ही नहीं मिल रहा है, या बैंक के साथ में मल्टीपल ईएमआई आपकी क्या बोलते हैं टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही है, लीगल लिटिगेशन चल रहा है, मतलब ये सपोर्ट सिस्टम गड़बड़ है मेरा। सपोर्ट सिस्टम भी है, होता आपका साउथ वेस्ट भी प्रॉब्लम होगा, इस केस में साउथ वेस्ट भी प्रॉब्लम होगा या नॉर्थ ईस्ट भी होगा, नॉर्थ ईस्ट भी होगा, उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है काम करने की, प्रायोरिटी नहीं सेट किया होगा। मैं तो खाली बैंकिंग की समझ रहा हूँ सर, क्योंकि ये पूरा बैंकिंग के लिए था ना, तो बैंकिंग मतलब मेरा पूरा हिला हुआ है, मेरा ईएमआई बाउंस होता है या मेरे को लोन नहीं मिलता है या फिर मल्टीपल लोन चल रहे हैं कुछ टाइम पे तो नहीं हो रहा है, बैंक के साथ में हो जाता ना एक रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है उधर से, तो वो तो पूरा नॉर्थ वेस्ट का ही गड़बड़ लग रहा है मेरे को। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का भी हो, तो नॉर्थ ईस्ट तो पूरा क्लैरिटी ऑफ माइंड वाला है ना सर। हाँ तो आप तो ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो, तो नॉर्थ ईस्ट का भी हो सकता है। नहीं मेरा क्लैरिटी सब कुछ है, हाँ, जिससे इन जनरल देखा क्लैरिटी सब कुछ है, बट स्टिल देयर इज अ लैकुना, देयर इज अ प्रॉब्लम
हिंदी बैंकिंग, नॉर्थ ईस्ट का हाँ बैंकिंग सब बिगड़ा हुआ है, सिविल का भी ऊपर नीचे हो गया, बैंक के साथ में कभी सब कुछ होता ही नहीं है सही है, मतलब तो मेरा बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो गया ना सर। यस तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ही है मेरा पूरा घर, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। साथ में नहीं 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 याद रखो इतना इजी नहीं है, मैं आगे आपको केस में समझाऊंगा, मैं अभी चलने दीजिए। अच्छा क्वेश्चन रखिए, कल कल कुछ जब बात आएगा जब समझाऊंगा कि एक जो नहीं प्रॉब्लम कहीं और होता है और सॉल्यूशन कहीं और होता है। ओके अभी याद रखो डायरेक्ट वहां पर नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है वो डिगिंग करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्यों आया वो डिगिंग करना पड़ेगा, हम लोग कल कल करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, नॉट नॉट वेस्ट, मगर अच्छा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है आपके ना। नहीं नहीं आपने दो, मैं किसी और को बोला था, सौरव जी को बोला था ना कल कुछ नहीं। हाँ, मेरे आपके भी, हाँ। दो क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नॉट नॉट, अभी बोल सकता हूँ मगर क्या है टॉपिक हट जाएगा, अभी क्या है नॉट नॉट वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन, ये जो है ये है एक ब्लड प्रेशर का सुकून और दूसरा है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टू किसके प्रति अट्रैक्शन, गुड और बैड के प्रति अट्रैक्शन, कोई भी चीज को आप अट्रैक्ट होते हो, वो भी अच्छे के लिए हो सकते हो बुरे के लिए हो सकते हो, कोई एक्टर के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, खाने के पीछे अट्रैक्ट हो सकता है, किसी लड़की के पीछे अट्रैक्शन हो सकते हैं, कोई भी जो अट्रैक्शन है वो आएगा आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से। अब नेक्स्ट वहां पे आप बोल रहे हैं सर साउथ से जैसे पावर एंड कॉन्फिडेंस, एक रिलेशन होता है सर इसके साथ में, वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है वो, सर दोनों वाटर एलिमेंट है, वाटर एंड फायर, फायर है, वाटर जब and... फिजिकल लेवल में फायर बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या, पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक एक आपको कॉन्फिडेंस तो है ही ना, इफ यू आर फिजिकली फिट एंड फिजिकली you are able to do all the activity, that a confidence will always be there, power will always be there na, aur jab attract karoge, jab confident rahega to aap koi bhi cheez ko attract karoge nahi karoge, yes very true, okay next kaun sa hai, not to sir ek cheez tha isme aapne bedroom bataya tha na ye wala, ha to ye bedroom to kahin galti se bachcho ka phans gaya to gadbad ho gaya na sir ye, गुड कल रखना क्वेश्चन, आपके तीन क्वेश्चन उनके एक क्वेश्चन चार क्वेश्चन, आपने कभी इससे पहले वास्तु पढ़ा क्या, नहीं सर कुछ भी नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इफ यू डो पढ़ा नहीं तो अच्छा क्वेश्चन है, अभी अच्छा नहीं पूछते तो मैं बता तो डाउट ही है, मतलब आपने नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन आया तो बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन कर जब बात आज समझाऊंगा तो जब एक ही स्ट्रोक में हो जाएगा, आप खुद समझ जाओगे, मैं बोलूंगा नहीं आप खुद ही समझ जाओगे इस काम से चारों क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्या है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी, मनी एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, मनी और अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपको अवसर कैसे मिलने वाले, अपॉर्चुनिटी कितने से मनी अवसर, जब अवसर मिलेंगे तभी तो पैसा आएगा ना, yes got it, जब पैसा आएगा जब ही तो फेम बनोगे ना, ओके जब फेम बनोगे तभी तो समाज से संबंध होगा ना, समाज से संबंध कब होगा, जब पैसा रहा संबंध होगा, जब क्लैरिटी ऑफ माइंड रहा तो समाज में संबंध होंगे, जब समाज में संबंध होंगे तो आप फेम बनोगे, जब फेम बनोगे तो आपको गेन होगा, गेन कैसा हो सकता है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी हो सकता है, तो एक दूसरे के साथ सब रिलेटेड है, चल देखा जाए तो एक दूसरे के साथ सब रिलेटेड है, ये तो हिंट दिया मैंने अपोजिट वाला, आप प्री कोई भी जोन का पहले वाला जोन और नेक्स्ट वाला जोन वो भी रिलेटेड है, ओके
ओके अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है? हेल्थ एंड इम्यूनिटी। हेल्थ इम्यूनिटी, हेल्थ मतलब क्या है? कौन सा हेल्थ? मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, ये तीनों भी हेल्थी होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ऑल थ्री। मेंटल लेवल स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर सके। देखो तीनों अलग अलग है। फिजिकल फिटनेस जरूरी है, कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम आए तो आप सस्टेन कर सको। आपको कोई प्रॉब्लम आया इमोशनल तो आप उसको भी हैंडल कर सकते। और मेंटल लेवल स्ट्रेस है, जैसे अभी इनका बॉस बोल दिया रिपोर्ट ला, आप सबको एग्जाम्पल उन्होंने दो अभी कुछ नया काम बोल दिया 2 घंटे में करके दो, तो क्या करेंगे वो? स्ट्रेस आउट हो जाएंगे क्या? उसे बैलेंस करेंगे उसको, तो वो आएगा आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आएगा। ओके, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, वो हेल्थी रहेगा नहीं रहेगा? जैसे बच्चा है, माँ प्रेग्नेंट है और बच्चा हेल्थी नहीं, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वैसे ही ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यदि प्रॉब्लम रहा, हेल्थी नहीं रहा, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किस पर? इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल। ओके, ये सब के प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमने पढ़ लिया है जी सर। तो इस तरह से 16 जोन आपको इंपैक्ट करते हैं लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी सर। अब पहले अपोजिट वाला समझाया था, अब प्रीवियस और नेक्स्ट का प्रॉब्लम। जब आप हेल्थी हो गए, अभी एट्रीब्यूट हो गए, अभी समझाने तरीका चेंज कर रहा हूँ। ओके, आपका थॉट क्लियर कब रहेगा? जब आप मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल हेल्थी रहोगे तो क्या होगा? थॉट क्लियर रहेगा नहीं रहेगा? तो प्रीवियस जोन भी, जैसे मैंने अभी क्या बोला था, अपोजिट जोन भी इंपैक्ट करेगा, वैसे भी कोई भी जोन का प्रीवियस जोन और नेक्स्ट जोन भी इंपैक्ट करेगा। जब आप फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल हेल्थी नहीं रहोगे तो आप थॉट कैसे रहेंगे? अनस्टेबल रहेंगे, बिल्कुल। ओके, जब अनस्टेबल थॉट रहेंगे तो आर यू गोइंग टू एंजॉय द थिंग्स? नो नो, नहीं, नेवर नेवर। मैं आपको वेट कर रहा था। रिक्रिएशन फन नहीं होगा, एंजॉयमेंट। रिक्रिएशन मतलब एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन मतलब आप टायर्ड होगे तो कहीं ना एंजॉय करो। जब एंजॉय नहीं करोगे समाज में संबंध होंगे क्या आपके? नहीं। 10-15 मिनट में खत्म करता हूँ, थोड़ा लगेगा 5-10 मिनट, एक बार खत्म कर देते इसको। सबसे इम्पोर्टेंट जोन है ये जो 16 जोन है, सबसे इम्पोर्टेंट। रेमेडी पार्ट बहुत इजी है, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा पूरा रेमेडी पार्ट, मगर समझना जोन को, समझना 16 जोन ही इम्पोर्टेंट है। 16 जोन इम्पोर्टेंट। दवाई देना क्या है, 2 मिनट तो लिखना है, ये ले लो, बस दवाई को समझना जरूरी है ना, डायग्नोसिस करना जरूरी है ना। मेरे को एक केस को एनालिसिस करने के लिए कम से कम मुझे 50 से 100 आवर्स लगते हैं एनालिसिस करने के लिए। उसका एस्ट्रो देखूंगा, उसका नुमरो देखूंगा, उसे चक्र देखूंगा, औरा देखूंगा, उसे कर्म देखूंगा, उसका हाउस देखूंगा, सोचो कितना लगता है। और एक एक को चाचा में देखूंगा, ये इस एंगल से, उस एंगल से, उस एंगल से, तो टाइम लगता है। और मैं कूली काम करता हूँ, हरी भरी में नहीं करता। ओके, अब जब उसको एंजॉय नहीं किया तो क्या देखो, आप जब एंजॉय करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे? कोई दुखी आदमी के साथ कोई जुड़ता क्या? नहीं जुड़ता है क्या अर्चना जी? नो सर। दुखी है, रोते रहेगा, से बोलेगा जा बाबा, मेरे मेरी जिंदगी मेरे को एंजॉय करने देंगे, तू जा। एक बार दो बार समझा देगा, बाद में क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। तो इसीलिए एंजॉयमेंट जरूरी है नेक्स्ट गेन करने के लिए। जब आपने समाज में जुड़ा है और आपने एनालिसिस करोगे कि अच्छा है बुरा है, और फिर उसको क्या करोगे, उसको प्राप्ति करोगे, साउथ ईस्ट का मतलब है प्राप्ति करोगे, कैश में कन्वर्ट करोगे, मतलब कोई ना कोई फायदे में कन्वर्ट करोगे। जब साउथ ईस्ट, जब आपको एनालिसिस नहीं किया,
तो आप कैसे कमाओगे उस चीज को? जब साउथ ईस्ट आपका प्रॉब्लम रहेगा तो कॉन्फिडेंट रहेगा क्या? पैसा नहीं है तुम, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा क्या? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते ना खुदा से भी कम नहीं है, खुदा नहीं है मगर खुदा से कम भी नहीं है पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पैसा नहीं रहा तो क्या होगा मालूम है? यू लूज द कॉन्फिडेंस। कोई भी हो, समाज हो, देश हो, कम्युनिटी हो, रिलीजियस हो, हर जगह पैसा चाहिए ही चाहिए। पैसा नहीं है तो कोई भी ड्राइविंग नहीं करता। मनी इज अ ड्राइविंग फोर्स। आप बच्चे हैं आपके, बेटा आज भूख लगी बोल दिया पापा, नहीं बेटा प्यार करोगे तो क्या मान लेगा क्या? वो मानेगा सर ना? नहीं। तो पैसे की जगह पैसा ही काम आएगा, प्यार काम ही है। तो कॉन्फिडेंट लेवल कहाँ से आएगा? साउथ ईस्ट से आएगा, जब आपके पास कैश रहेगा। जब कैश रहेगा तो आप फेम पैसे आपको इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी, समाज में मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी। फेम मतलब आप रिकॉग्निशन, यहाँ पर फेम का मतलब है रिकॉग्निशन। ओके, आपको रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन कहाँ मिलेगा? जब पैसा है जरूर। जब रिकॉग्निशन होगा तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसको विसर्जन करना पड़ेगा, गुड और बैड, अच्छा है बुरा है, उसका विसर्जन करना पड़ेगा। वो आएगा आपके साउथ साउथ वेस्ट से आएगा। विसर्जन का मतलब क्या है? यू आर गॉड फेम, उसमें अच्छा फेम है बुरा फेम है, मतलब समाज में आपको मान्यता मिल रही है, झूठी मिल रही है अच्छी मिल रही है, झूठी मिली तो उसको डाले नीचे, क्योंकि झूठी मिलेगी तो क्या होगा? आप रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाओगे, रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाओगे, वन टू वन रिलेशनशिप। जब आप वन टू वन रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? आप स्किल्स नहीं यूटिलाइज कर पाओगे। जब स्किल नहीं तो आप एजुकेट कैसे करोगे? एजुकेशन भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन सा? वेस्ट 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 साउथ वेस्ट। ओके, जब वेस्ट साउथ वेस्ट प्रॉब्लम रहा तो क्या होगा? आप गेन नहीं कर पाओगे, आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो क्या गेन कर पाओगे? इसीलिए क्या बोले? कंटिन्यूअस लर्निंग बोले। आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है मालूम है? कंटिन्यूअस लर्निंग होता है। जब मैं आईटी में काम करता था, मेरे को 2 घंटे रोज पढ़ाना पड़ता था, मॉर्निंग क्लास डेली लेना पड़ता था मुझे, क्योंकि टीम बिल्डिंग करने रहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती, बहुत सारी चीजें चाहिए, कंटिन्यूअस एजुकेशन चाहिए टू गेन द प्रोजेक्ट गेन। तो कहने का मतलब कोई भी चीज गेन करना है तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। लर्निंग आएगा वेस्ट में। ओके, गेन करना है, हो सकता है मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी हो। जब यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा है, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जोन के लिए, जब आप गेन करते हो, ओके, गेन नहीं किया तो, गेन नहीं हुआ तो क्या होगा? डिप्रेशन, डिप्रेशन हो जाएगा। आपने आपको आपने सोचा सपोज मुझे इस साल इतना पैसा कमाना है, नहीं कमाए तो क्या होगा? क्या होगा? डिप्रेशन, डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब वो वाला, आप हॉस्पिटलाइजेशन वाला डिप्रेशन नहीं हो सकता है, लो फील करेगा, आपकी मेंटल लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, आप थोड़ा डीमोटिवेट हो जाओगे। बिल्कुल सर। जब डीमोटिवेट होगा तो क्या चाहिए आपको, बताओ मेरे को? सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए आपको? किसी ना किसी ना सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। तो सपोर्ट चाहिए तो कहाँ से जाओगे? किसी ना किसी सपोर्ट दोगे। ओके, जब आपको कोई सपोर्ट देगा तो उसके तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गए नहीं हो गए? उसका ग्रेटिट्यूड सपोर्ट, ग्रेटिट्यूड रखोगे नहीं रखोगे? वो आएगा आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अट्रैक्शन मतलब ग्रेटिट्यूड उस आदमी प्रति, उसके लर्निंग के प्रति या एजुकेशन के प्रति, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाओगे। और अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्ट हो तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड सुकून होगा, और क्या होगा? दोनों में भी डिफरेंस है। ओके, कल देखेंगे हम जोन ये कैसे प्रैक्टिकल में कैसे यूज होते हैं, कल देखेंगे। नेक्स्ट है मनी अपॉर्चुनिटी।
मनी जब अट्रैक्ट होगे तो क्या होगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, नई नई अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, अपोजिट से अट्रैक्ट होगे तो यू लर्निंग होगा आपका, होता आप यू कैन स्टार्ट न्यू बिजनेस न्यू वेंचर। ओके, आप होगा आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हेल्थी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी नहीं तो क्या होगा। इसीलिए वो जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसको मेंटल लेवल फिजिकल लेवल और इमोशनल लेवल बैलेंस करोगे। उसके लिए बैलेंस करने के लिए आपके पास थॉट क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से 16 के 16 जोन इंपैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में, 16 की जोन इंपैक्ट करते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा, मैं जो बताया मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने केसेस जो किया हूँ उसके आधार पे मैंने इसको दिया है। ओके, तो कहने का मतलब है ये 16 के 16 जोन लाइफ में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोलोगे कि आप बोलोगे कि सेक्स एंड अट्रैक्शन, ओके, सेक्स एंड अट्रैक्शन का मतलब क्या है, वाइफ से हो सकता है ना, बाहर बाहर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना हो भी सकता है। ओके, अट्रैक्ट बिजनेस अट्रैक्शन भी हो सकता है, मनी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो ये जो 16 जोन है उसको हम देखकर उस घर के जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, उसको सटीक मिलता है, सही मतलब एग्जैक्ट मिलते हैं प्रॉब्लम, 16 जोन में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखा जाए तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। कल हम जो देखते हैं उसको बार चार्ट, कल तो पहले एक घंटा, कल भी 7 बजे मिलेंगे। ओके, और कल पहले देखेंगे 16 जोन 32 इंट्रेंस देखेंगे, 32 इंट्रेंस इतना जल्दी वो नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा। ओके, और फिर बाद में हम बार चार्ट देखेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है अर्चना जी, अब तो 5 मिनट के लिए ऑन कर लीजिए वीडियो। हाँ जी सर, समझ में आ गया, क्लियर है जी सर, कहीं डाउट है? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है सर। सौरभ जी क्लियर है सर, क्या क्लियर है, मैं उल्टा पूछूंगा क्या क्लियर है। जैसे और एक चीज मैंने देखा है, जो आपने जो लिखा है यहाँ पे, हाँ। आपने और आपने जो डिस्क्रिप्शन आपने हम लोग को पढ़ाया था जो वाटर एयर एलिमेंट फायर अर्थ एंड स्पेस, उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया था इज सेम फॉर दैट। यस, वाटर एलिमेंट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपने फर्स्ट बोला था क्लैरिटी ऑफ, यहाँ पे भी क्लैरिटी ऑफ थॉट लिखा है। वाटर एलिमेंट मनी एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड इम्यूनिटी इज वाटर एलिमेंट, तो इस हिसाब से भी ये चीज तो हम लोग के पास ये भी क्लियर हो रहा है एंड तो अभी जो है 16 जोन को हमें थोड़ा उसको थोड़ा पढ़ के थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर लेना है, जो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत, राइट। उसको ये कहूंगा कि आज 2-3 बार पढ़ के आई, 16 जून को मैंने जो जो पढ़ाया बस कुछ नहीं करना है, आग बंद कर सोचना है ये पढ़ाया, राइट। ओके, राइट। और पवन जी, हाँ सर, क्लियर है या डाउट है कुछ? ये क्लियर है, मैंने ना आपने जैसा बता उसको थोड़ा स्टोरी जैसा बढ़िया बना लिया मैंने, थोड़ा सा मैं बोलूं तो क्लियर होगा, मैंने जो समझा नहीं समझा बारे में, पर आपने जो बोला ना उसके हिसाब से कैसा है, मैं उल्टा वाला पकड़ता हूँ। यदि फिजिकली हमारा पूरा फिटनेस अच्छा है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड अच्छा आएगा, ना फिजिकल नहीं, या वहां पर मैं चेंज करूंगा, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, इमोशनल लेवल तीनों अच्छा है तो मेरा क्लैरिटी ऑफ माइंड एकदम मस्त है। और वो सुना ये सुना ये क्या बोलना चाह रहा मैं समझ गया, हां बोलो बोलो करेक्ट बोलो। और वो यदि अच्छा है तो मेरे को अपने आप को एंजॉयमेंट में, फन करने में और हर चीज का रिफ्रेशमेंट वो सब प्रॉपर चलता रहेगा। yes. क्योंकि अच्छे से मेरा ये सब कुछ होगा। और यदि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा मजे मजे में मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
काफी बढ़िया कनेक्ट होगा लोगों से जुड़ना मिलना, बिकॉज मैं फन एंटरटेनमेंट करते करते ये सब कर रहा हूँ, तो मेरा ये सब बढ़ने लगा। जब ये बढ़ेगा, समाज से जुड़ जाऊंगा, तो मेरा एक डीप अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी सभी सभी चीजों के बारे में। yes. मतलब मेरा थॉट हो या किसी भी तरह का है, तो ऑटोमेटिक मेरा पैसा आता जाएगा। जब पैसा आता जाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगा तो फिर मेरा फेम भी उतना बढ़ने लगा। yes. जब फेम बढ़ा तो अच्छा बुरा मेरे को विसर्जन करना पड़ेगा। अच्छा फेम को उसको थोड़ा सा संभाल के रखना, बुरा फेम को उठा के उसको विसर्जन कर दिया। yes. ये सब चीजें की, तो इन सब चीजों से मेरा स्किल सेट बहुत बढ़िया हो गया, पावरफुल हो गया। तो स्किल सेट में यदि जरा भी गड़बड़ होता है तो मेरा एजुकेशन इम्पैक्ट होगा। एजुकेशन एजुकेशन में यदि इम्पैक्ट हुआ तो मैं गेन नहीं कर पाऊंगा। yes. यदि गेन नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को डिप्रेशन चालू हो जाएगा। yes. और डिप्रेशन जब चालू हुआ तो मैं डिमोटिवेट भी होना चालू हो जाऊंगा। yes. और इन सब चीजों से निकलने के लिए मेरे को फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिजिकल अट्रैक्शन इट डज नॉट मीन दैट द सेक्सुअल अट्रैक्शन, बट एजुकेशन के प्रति अच्छी बुक पढ़ा, लोगों से मिला, वो सब चीजें। और यदि मेरा गलत तरह का अट्रैक्शन होगा, यदि मेरा ये सब प्रॉपरली हुआ तो मेरे को नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगी। और नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो मेरा पैसा भी आएगा, आगे बढ़ूंगा। और ये सब चीजों से मैं फिजिकली मेंटली इमोशनली सब तरह से बैलेंस करूंगा। यू बिग क्लैप बराबर बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल आप बोल रहे थे, मैंने लिख लिया सर उसको। मैं देख रहा था, मैं लिख रहा था, आप लिख रहे थे, इसलिए मैं लिख लेता हूँ ना, थोड़ा नहीं हो जाता। मैं सीधे बोला था ये जोन जो सेकंड टाइम जो बताऊंगा वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना है। हाँ ओके, उन्होंने ठीक तरह से पकड़ा और नॉर्थ ईस्ट से लेके गया तो अच्छा ही रहा। जो साइकिल है ना वो खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग हमने नॉर्थ ईस्ट लिया है, कहीं भी ले लो, नॉर्थ ईस्ट से लिया, एक भी जगह ब्रेक हो गया तो क्या होगा? खत्म खत्म। हम वास्तु में क्या कर रहे हैं मालूम? ये साइकिल को देखकर, उसको सीक्वेंस को देखकर उसको बैलेंस कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वाटर के बाद क्या है? एयर है। एयर के बाद फायर है, फायर के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद स्पेस है, स्पेस के बाद फिर जो साइकिल है वाटर, वो हम बैलेंस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ में जितने भी है वाटर वाले, ईस्ट में जो भी है एयर वाले, साउथ में जो भी है वो फायर वाले हैं, बाकी साउथ ऑफ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अर्थ वाले हैं, बाकी स्पेस भी वाटर। तो इसलिए साइकिल हम मेंटेन कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। जब तक ये साइकिल नहीं मेंटेन करते हो तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट होते हो। सेकंड पॉइंट है, दो मिनट खत्म करूंगा। सेकंड पॉइंट ये, हम वास्तु में क्या कर रहे हो तो ये साइकिल को देख रहे हैं कहाँ डिस्टर्ब हुई है, और उसको इनडायरेक्टली हम समझकर उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। यस, जो गैप आया उसको फिल कर रहे हैं। यस, जैसे आप बताए साइकिल, हम साइकिल चलाते थे बचपन में, वो टूटी तो क्या करता था? वो निकाल के रिबिट मार देता था जहां टूटी। वही कर रहे हैं हम वास्तु में पाई एलिमेंट की पार। ठीक है, बहुत लंबा क्लास हो गया जी। तो अच्छा लगा सर क्लास करके, बहुत बढ़िया लगा, बहुत एंजॉय किया क्लास में, बहुत एंजॉय किया और सीखने को आसानी से समझ लिया, और पवन जी इतना आसानी से सब कुछ बोल दिया, एक्सीलेंट। और कल आपको कल समझाना है अर्चना जी को, मैं बता रहा हूँ, अर्चना जी को, अमित जी को और सौरव जी को, ये तीनों समझाएंगे, और अरविंद जी मुझे कल दोपहर में समझाएंगे 1 o'clock नहीं। आप क्या समझते हो 16 जून के बारे में, जैसे इन्होंने समझाया? ठीक है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, आप क्या समझते हो? एक एग्जांपल लेके समझाओ, आपने ढंग से समझाओ, क्योंकि प्रॉब्लम ये जो कीवर्ड दिए ना वो थंब रूल नहीं है। बिल्कुल सर, और क्लैरिटी ऑफ माइंड का बहुत बड़ा मीनिंग है, उसको पकड़ के लादना पड़ेगा, राही का पहाड़ बनाना पड़ेगा वहां पर, तो ही समझ पाओगे। और हर हर एक प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं,
मैं समझो एकदम फुल, मैं किसी को आई लव यू बोल दिया तो क्या होगा हमारे हालत, क्या होगा? राइट राइट जगह बोला तो ठीक है, रॉन्ग जगह समझ में आ गया मेरा, हमारा मतलब एफर्ट कहाँ पर डालना है हमको, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं 7 o'clock, विल एंजॉय अगेन 3 hours tomorrow सर, अगेन सर वो आज डिस्कस करेंगे क्या? यस, मैं अभी उनको शायद आगे होंगे, देखता हूँ वो ऑफिस से आए नहीं है, 2 मिनट देना, मैं मैसेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है, अगर आप करें तो मैं सर ज्वाइन करूंगी। यस यस, ओके थैंक यू, ओके देन, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा।